सो फर्स्ट पैरामीटर्स इन लास्ट क्लास आई ऑलरेडी कवर्ड फोटो करंट एंड फोटो करंट इज नथिंग बट आईपी इज इक्वल टू क्यू बाय एच म्यू 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस डी एक्स पी जीरो माइक्रो एम्पियर. ओके सो दिस इज द फर्स्ट. नाउ सेकेंड is write down responsibility of the materials. Responsibility R E S P O N S I T I B I T Y. Responsibility of materials. Material you can write. So responsibility is nothing but this is ratio. That is the ratio. Write down. So IP by P zero. So यहाँ पे बेटा P zero है और यहाँ पे IP है, तो दिस इज द रेशियो ऑफ IP फोटो करेंट बाई पावर इज इक्वल टू Q बाई लिख लीजिए Q बाई H mu इंटू 1 माइनस R इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस डी एक्स. ओके तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस वन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो हम मेजर करते हैं बेटा लिख लीजिए R. So R by is equal to IP by P0. Right. So please write down responsibility. The second parameter is responsibility. Right. Third parameter is quantum efficiency. So please write down third quantity is. So iska unit aapko pata hoga micro ampere by micro watt. Right. So ampere this is very very small. Yadi tum dekho na, this ratio is very very small. Very very small. मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है आपके लेक्चर्स में रिकॉर्डिंग में, तो होपफुली यू हैव गॉन थ्रू. थर्ड पैरामीटर इज नोन एज क्वांटम इफिशियंसी. राइट ऑन क्वांटम इफिशियंसी पैरामीटर इज नोन एज द क्वांटम इफिशियंसी. तो क्वांटम क्वांटम इफिशियंसी कैन बी कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन and hole pair electron hole pair generated by number of photon number of photon nahi likho incident photon. Okay, so this is the third parameter that is really important for your any process, right? And these three parameters is very very important for the photo detectors, right? यदि आपको photo detectors का यदि analysis करना हो तो आपको सबसे पहले photo current measure करना पड़ेगा, responsibility measure करनी पड़ेगी and quantum efficiency. और ये तीनों में से कोई भी value कभी भी आपको आ सकता है and you can calculate, right? So बहुत easy है. तो इसको कैसे calculate करेंगे? IP by Q by P zero by h mu, right? And यदि आप इसको अच्छे से कैलकुलेट करेंगे इनटू जो है इक्वल टू, यदि आप इसको वैल्यू लिखेंगे, यदि जो रेशियो है इसको वैल्यू अलग लिखोगे तो वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस डी एक्स. राइट, सो दिस रेशियो कैन बी रिटेन एज लाइक दिस. सो क्वांटम एफिशिएंसी इज नथिंग बट यदि मैं एफिशिएंसी इज फाइनल फॉर्मूला लिखूं तो लिखो आई नीटा इज इक्वल टू IP by Q into H mu by P zero. So this is the final formula of quantum efficiency. यदि इसी को normalize करोगे तो IP by Q क्या होता है? IP by Q क्या होता है? आकांक्षा IP by Q को क्या लिखा था मैंने अभी सबसे पहले IP by Q को? Sir, IP by Q. हाँ, IP by Q जो होता है बेटा ये नियर अबाउट जो वैल्यू होती है ना हमारी, यहाँ पहला वाला यदि तुम पहला इक्वेशन देखोगे तो IP by Q इधर हम ले लेंगे तो ये वैल्यू नियर अबाउट जो हो जाएगा दैट इज द Q दोनों तरफ कहीं पे Q ऐसा भी लिखते हैं कहीं भी ऐसा लिखते हैं तो कोई बात नहीं, चार्ज ही है वो दोनों. दिस इज नियर अबाउट द फोटो करेंट, लिख लो. इट इज द फोटो करेंट मल्टीप्लाइड बाई फ्लक्स डेंसिटी.
एफिशिएंसी कैन बी ऑल्सो कैलकुलेटेड एज कभी कभी आप पूछा जाए, बट पूछेंगे तो दैट कैन बी इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोटो करंट इन टू फ्लक्स डेंसिटी, नियर अबाउट होता है, नहीं अप्रोक्स इक्वल नहीं होता, अप्रोक्स बिलो। सो बट आपको ये याद रखना है क्वांटम एफिशिएंसी नीटा, और एफिशिएंसी हमेशा किस में होगा बेटू, किस में होगा, परसेंटेज में होगा, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट थ्री पैरामीटर्स जो मैंने बोला, वो तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। नाउ ये तो मैं कल का एजेंडा था हमारा, आज के एजेंडा की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज नोन एज पिन डायोड, पिन डायोड, PIN, पिन फोटो डिटेक्टर, डायोड मत बोलो यहाँ पे, फोटो डिटेक्टर। ओके, सो कैसा होगा बेटू, हमें कोई पिन डायोड है ना, पिन डायोड है, और ये डिप्लेशन लेयर है, वेरी गुड, ये तो यहाँ पे होल है, तो यहाँ पे नेगेटिव, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इससे पता चले, यहाँ पे होल है तो, और यहाँ पे जो होगा वो कौन सा कलर का होगा, क्या होगा, प्लस, और यहाँ पे माइनस, राइट। तो पिन डायोड में ऐसा है, और लेट अस अस्यूम दैट द फॉरवर्ड बायस, राइट, बट पिन से, पी एन डायोड से मुझे पिन में बदलना है बेटू, पिन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये जो एरिया है हमारा बेटू, ये पी वाला, इसको मुझे थोड़ा मैं इधर शिफ्ट कर लूं, और एन वाला थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाए, तो एक स्पेस क्रिएट हो जाए, और उसको बोलते हैं इंसर्ट लेयर, आई लेयर, आई लेयर, आई लेयर। ऑनलाइन हो बेटा? यस सर। हाँ, सो पहले क्या होता है, पीएन जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, तो नो डाउट पहले ये इंक्रीज करता है, फिर कॉन्स्टेंट रहता है, राइट, लाइक दैट। और मैं, मेरे पास पी एन है, लेकिन मैं, मुझे पिन बनाना है, एक लेयर इंसर्ट करना है, उसको बोलते हैं इंसर्ट लेयर, राइट, आई लेयर, आई लेयर, इंसर्ट लेयर। अब मुझे आई को फोर्सफुली इसमें पुटअप करना है, तो मैंने लेक्चर भेजा है, आपने रेफर किया है कि नहीं किया है, मुझे नहीं मालूम, नहीं सभी देखे, हाँ कोई बात नहीं, यदि नहीं किया है तो हम क्या करेंगे, मैं सर्किट बनाता हूँ, हाँ सबको जॉब लगी है, पढ़ने की क्या जरूरत है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, आप एकदम एंजॉय कीजिए, एकदम मस्त। अब ये हो गया पी, ये है एन, और इलेक्ट्रॉन, और आकाश जॉब लगने के बाद खुशी होती है, थोड़ी थोड़ी पहले होती है, फिर खत्म हो जाती है, राइट, वेरी गुड। तो पहले दिन, पहला दिन बहुत अच्छा लगता है ना, जॉब लगता है, अभी चुपचाप जॉब के चक्कर मत पड़ो, चुपचाप गेट की तैयारी करो, है ना, सो दिस इज ओके। आप लोग नींद में है, थोड़ा आप निकल जाइए, एक महीना टाइम है, ये टाइम फिर से नहीं आएगा, दिस इज आउटपुट वोल्टेज। मैंने यहाँ पे क्या किया है वकास, ये डायरेक्शन देखना, यहाँ पे डायरेक्शन देखना बेटू, और यहाँ पे फॉरवर्ड बायस, यहाँ पे आपने रिवर्स बायस किया डायोड को, तो यहाँ पे मैंने रिवर्स बायस कर दिया, वेरी गुड। सो यहाँ पे माइनस, फिर मैंने माइनस साइन मिला है, यहाँ पे प्लस वाला साइन है, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, जब मैं इसको न्यूट्रलाइज, इसको मैं, यदि मैं रिवर्स बायस करूंगा तो ये जल्दी से न्यूट्रलाइज होने लगेगा, मानते हैं इस बात को, है ना, डायरेक्ट न्यूट्रलाइज होने लगेगा ये डायरेक्ट, ये यदि मैं यहाँ पॉजिटिव करूंगा तो डायरेक्ट न्यूट्रलाइज होगा, तो डायरेक्टली जल्दी जल्दी न्यूट्रलाइज होने के कारण ये जो जंक्शन है, ये वाला जंक्शन इधर शिफ्ट होने लगेगा और ये वाला थोड़ा इधर शिफ्ट होगा, और एक ज्यादा शिफ्ट होता है, कब शिफ्ट होता है मैं बाद में बताऊंगा, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करेंट, राइट। तो आपने नाम सुना होगा ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन, एक इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होता है, एक होल्स के कारण होता है, और एक ज्यादा होता है, एक कम होता है, मैं अभी बताऊंगा जल्दी। तो अभी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर के कारण अब ये दोनों इधर शिफ्ट हो गए हैं, और रेड कलर से कर देते हैं, इधर शिफ्ट हो गए हैं, तो इस शिफ्ट होने के कारण हमारा एक लेयर बनने लगेगा, राइट, जगह बनने लगेगी, वहां उसको बोलते हैं बेटा आई लेयर, इसको बोलते हैं आई लेयर। मुस्कान क्लियर है मुस्कान? यस सर। श्रिया 53, श्रिया यदि आप ऑनलाइन हो तो जल्दी बोलना बेटा, है ना, क्योंकि श्रिया ऑनलाइन नहीं हो। सुकृति महाजन,
सुकृति यहाँ तक ठीक है बेटू, जल्दी बताओ बेटा, बहुत सिलेबस खत्म करना है। ओके नहीं है। मॉड्यूल नंबर 44 रक्षित अब्रोल। यस सर। हाँ बेटा यहाँ तक ठीक है? हाँ जी सर। ओके सो मैंने इसको क्या किया, रिवर्स बायस किया, तो इसके बीच में बेटू एक लेयर आ गया, उसको बोलते हैं आई लेयर। और इस आई लेयर में इलेक्ट्रॉन होल दोनों इसके अपोजिट में अपियर होने लगते हैं, जैसे 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 डिफ्लेशन लेयर में होता है, और उस पर हम लाइट डालते हैं, लाइट एच म्यू फोटोन डालते हैं, लाइट बोलो पहले, लाइट डालते हैं। लाइट होने के आने के कारण होल्स एंड इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी रिकम्बाइन होने लगते हैं, राइट, जल्दी जल्दी रिकम्बाइन होगा, और जितना जल्दी रिकम्बाइन होगा उतना ज्यादा वो एनर्जी रिलीज करेगा, है ना, और एनर्जी रिलीज करेगा तो फाइनली फोटोन देगा। सो थ्रू थ्रू पिन डायोड, हमारा पिन डायोड होने के कारण रिकम्बिनेशन जल्दी होगी, और इसके कारण हमारा रिस्पॉन्स टाइम जो है, रिस्पॉन्स टाइम वो बढ़ जाएगा, राइट। तो जनरल पीएन डायोड के जगह पे हम पिन डायोड इसलिए यूज करते हैं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे बढ़ानी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ानी तो है ही। आकांक्षा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन जल्दी जल्दी होगा तो क्या होगा बेटू, करंट, इलेक्ट्रॉन अपना करंट भी फ्लो जल्दी जल्दी होगा। सो मैं बताया था कि हमारा फोटो करंट जो है, फोटो करंट क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज दिस करंट विल बी अपियर ड्यू टू लाइट इंसिडेंट इन दिस लेयर। बकास क्लियर है? यस सर। हाँ सो व्हाई फोटो 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 करंट, बिकॉज दिस करंट विल बी रिस्पॉन्सिबल बाय द लाइट इंसिडेंट, राइट। तो रिकमेंडेशन के कारण जो करंट फ्लो करेगा दैट इज द आईपी। और क्यों हम पीएन डायोड क्यों नहीं यूज करते थे, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि लाइट को डिटेक्ट करेगा ही नहीं, लाइट के बेसिस पे रिकमेंडेशन नहीं होता वहां पे, वहां पे बाइसिंग के बेसिस पे रिकमेंडेशन होता है, यहाँ पे लाइट के बेसिस पे हम रिकमेंडेशन करवा सकते हैं। तो जैसे ही लाइट पड़ा डिटेक्टर पे तो रिकमेंडेशन स्टार्ट और करंट फ्लो स्टार्ट, और उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट बढ़ जाएगी। तो थ्रू दिस वे पिन डायोड में हम आपका क्या क्या कर सकते हैं बेटू, क्या क्या कर सकते हैं हम, आईपी इफिशेंसी एंड क्या था, फोटो करंट, क्वांटम इफिशेंसी, और तीसरा क्या था बेटू, क्या था नाम, जल्दी बताओ, मेरा ही वेट करो या रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। सो तीनों तीनों फैक्टर को मैं इंक्रीज कर सकता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। सो ऑल दिस पैरामीटर्स कैन बी एड्रेस थ्रू पिन डायोड। ओके नाउ द क्वेश्चन इज, ये लेयर का साइज क्या होता है, आई लेयर का साइज क्या होता है, लिख लीजिए, आई लेयर लेंथ ऑफ द आई लेयर इन थर्ड लेयर इज नियर अबाउट 10 टू 20 माइक्रॉन्स। सो लेंथ ऑफ दिस आई लेयर इज 10 टू 20 माइक्रॉन्स, एंड ई इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर रिकम्बिनेशन के कारण आपका करंट फ्लो करता है। ओके सो दिस इज द बेसिक एनालिसिस, सर्किट एनालिसिस जो मैंने बताना चाह रहा था। नाउ नाउ अब हम देखेंगे सर्किट एनालिसिस, राइट। सो सर्किट एनालिसिस इन्वॉल्व्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ माई कनेक्शन। ओके कोई नो इशू। सो राइट ऑन सर्किट एनालिसिस ऑफ फोटो डिटेक्टर, जिसका मैं पिन फोटो डिटेक्टर का मैं सर्किट एनालिसिस कर रहा हूँ। ओके तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सर्किट एनालिसिस। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं अभी आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, बट दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, राइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सो पहले सर्किट एनालिसिस का अब मैं सर्किट कर लेता हूँ पहले। यहाँ पे पी जीरो इंसिडेंट हो रहा है, नाउ ये आर एल, बफर, ऑप एम, इसका आउटपुट इक्वलाइजर में, इक्वलाइजर, इक्वलाइजर के बाद हमारा आउटपुट। सो लेट अस अज्यूम दैट यहाँ पे जो वोल्टेज अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है दैट इज वी जीरो। ओके ये इनपुट है, इनपुट जेड इन, और ये है जेड आउट, ये जेड इन, ये जेड आउट।
नाउ अब मैं एनालिसिस करूंगा, प्लीज जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए। तो मैं एक एनालिसिस करने वाला हूं अभी, मैंने लेक्चर में बताया हुआ है बट डिटेल से, बट लाइव की बात थोड़ी अलग होती है, तो मैं अभी लाइव बताऊंगा। सो हियर आरएल इज, आरएल यहां पे सर्किट में देखो, यहां पे ये आरएल, ये आरएल क्यों है वकास? यहां पे किसी सर्किट में आरएल क्यों डालते हैं बेटू? उसके अक्रॉस आउटपुट मेजर करने के लिए लोड डालते हैं, जैसे कि आप करंट को ड्राइव करें और यहाँ पे आप मेजर कर सकें, और इसके अक्रॉस वोल्टेज आरएल है तो कुछ ना कुछ वोल्टेज भी ड्रॉप होगा बेटू, है ना? Yes, sir. So, this is V0, so that's why this is RL, ये इसको बोलते हैं, लिख लीजिए लोड रेजिस्टेंस एंड दिस आर एल वैल्यू इज वेरी वेरी हाई, जितना हाई रखेंगे उतना ज्यादा आप ड्रॉप करवा पाएंगे उसके अक्रॉस। सो दिस वोल्टेज इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस, राइट? सो लिख लीजिए प्लीज। नाउ एक चीज और बताओ, बफर किस चीज के लिए यूज करते हैं? बफर तो लिख लो, बफर इज यूजिंग फॉर आइसोलेट फ्रॉम ये इलेक्ट्रिकल, यहां पे इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल जो है ना, यहाँ पे यदि इसका जो फ्लक्चुएशन है, बफर जो है फ्लक्चुएशन जो है इसके बीच में उसको रोकेगा, आइसोलेशन, राइट? लिख लो, बफर बिहेव्स एज अ आइसोलेशन फ्रॉम दिस पोर्ट पी टू क्यू, राइट? यदि इसका कोई फ्लक्चुएशन यहां पे कुछ होगा तो यहां पे नहीं जाने देगा, राइट? ओके, सो और हमेशा आपको पता है ऑपेम का इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है बकास, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का? थ्योरेटिकली तो इनफिनिट होता है। हाँ, बहुत ज्यादा होता है। सो लिख लीजिए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज इनपुट इम्पीडेंस ऑफ दिस, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ दिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज वेरी वेरी हाई, राइट? यदि बहुत ज्यादा हाई होगा तो अब बिहेवियर कैसे करेंगे अभी हम बताते हैं। यहां तक सबको क्लियर है तो मैं आगे चलूंगा, नहीं तो जिसको प्लीज को किसी को डाउट हो तो प्लीज याद रखिए। ओपैम के नीचे क्या लगाया आपने? इक्वलाइजर। इक्वलाइजर का क्या रूल होता है, क्या काम करता है, अभी मैं बताने वाला हूँ। पर इतना लिख लीजिए, फिर मैं अच्छे से बताऊंगा। चलिए प्लीज, हो गया तो मुझे बताइए, अदरवाइज मैं करने वाला हूँ। ओके, नाउ सिंस आरएल इज वेरी वेरी हाई, सो ड्रॉप इज वेरी वेरी हाई, सो देयर इज अ चांस ऑफ द ओपेम का जो ऑपरेशन है उसको डिस्टर्ब करने के लिए हमें आइसोलेशन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बफर लगाया, राइट? ओके, क्योंकि फ्लक्चुएशन यहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज ड्रॉप होगा तो इसको डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बफर लगाया। इक्वलाइजर क्यों लगाया है और वो मैं अभी बताने वाला हूँ। सो राइट ऑन, दिस इज द जनरल सर्किट, राइट? नाउ मैं इसका सर्किट खींचने वाला हूँ, एसी इक्विवेलेंट सर्किट। सो राइट ऑन, एसी इक्विवेलेंट सर्किट, एसी इक्विवेलेंट सर्किट। और इक्वलाइजर क्यों लगाते हैं अभी बताता हूँ मैं। एसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस, एसी इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा इसका, तो प्लीज आप लोग यदि बता पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं, टाइम इज लेस सो मैं बताता हूं। सो नीलकमल दिखाई दे रहा है? समझ आ रहा है अभी? ये सब बस पीछे थोड़ा छूट गया था सर, वो नेटवर्क एयरटेल का इधर बहुत वो है ना, वीक है तो अच्छा, टावर नहीं है सर। हाँ, मैंने वीडियो भेज दिया है बेटा पहले एडवांस में, ठीक है? तो उसको देख। So reverse bias, this is a reverse bias, it is a P0, उसी को मैं AC equivalent circuit खींच रहा हूँ बेटू। So this is a current dependent है IP and कोई junction है तो junction के कारण वहां पे जो appear होता है बेटा उसको बोलते हैं junction capacitance, so CJ, ये है अपना RL, ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज आर ए एम्पलीफायर का,
एम्पलीफायर का जो कैपेसिटेंस जंक्शन कैपेसिटेंस बनेगा वो दैट इज सी ए राइट एंड दिस इज द सो चिंता मत कीजिए मैं अभी समझा रहा हूं सब दिस आर ए एंड सी ए इज अक्रॉस ओपम राइट दिस इज रिवर्स बायस्ड कंडीशन जो बना सर्किट में ये है बाइसिंग वाला ये जो वैल्यू है वो मैं यहां पे पुट अप किया राइट सो दिस इज यू नो दिस इज द करंट सोर्स सब कुछ मैं एक एक चीज लिख रहा हूं दिस इज द करंट सोर्स राइट एंड दिस इज द करंट सोर्स फोटो करंट तो कोई जंक्शन कोई ना कोई जंक्शन बनेगा इसलिए वो जंक्शन कैपेसिटेंस है इसको इसको बोलते हैं जंक्शन कैपेसिटेंस तो यहां तक सही है तो ये जंक्शन कैसे बनता है कोई बता सकते हो यदि मैं रिवर्स बायस करूंगा तो रिवर्स बायस में कोई ना कोई क्या होगा बेटा एक पीएन में एक जंक्शन बनता है वकास कोई भी आप यदि रिवर्स बायस या फॉरवर्ड बायस करते हैं तो एक जंक्शन बनता है और यदि वो जंक्शन बनेगा तो आप बोलोगे सर तो कहीं कैपेसिटेंस था नहीं लेकिन जहां जंक्शन होता है वहां पे कैपेसिटेंस अपीयर होती है ना और उस कैपेसिटेंस को क्या बोलते हैं बेटा यहां पे लिखा है मैंने सीजे कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो मैं फिर से बताऊंगा नाउ आर ए द एम्पलीफायर का रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा एम्पलीफायर का वो रेजिस्टेंस नाउ द क्वेश्चन इज इन दिस इक्वेशन आर इफेक्टिव एंड सी इक्विवेलेंट क्या होगा तो मुस्कान गुप्ता प्लीज अनम्यूट आर इफेक्टिव क्या होगा यहां पे और सी इक्विवेलेंट क्या होगा सी इफेक्टिव क्या होगा सॉरी दोनों में इफेक्टिव ही लिखो या दोनों में इक्विवेलेंट ही लिखो हाँ मुस्कान गुप्ता प्लीज अनम्यूट मैम है ऑनलाइन वेरी गुड अच्छी बात है राहिल रिया खजूरिया रोल नंबर 47 रोल नंबर 47 हाँ रिया बताइए यदि इस सर्किट में आर इफेक्टिव क्या होगा जो रेजिस्टेंस होता है ये सारे जितने भी कंपोनेंट है बेटू सारे पैरेलल में लगे हुए हैं मानते हैं तो पैरेलल में होता है तो आर तो टोटल आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे बेटू कितने आर है इसमें ये पहले बताइए कितने आर हैं सर दो हाँ वेरी गुड तो आर इक्विवेलेंट क्या निकलेगा बेटू सर आर एल इंटू आर ए अपॉन आर एल प्लस आर ए वेरी गुड तो दैट मीन्स पैरेलल लिखू मैं आर एल पैरेलल ए वेरी गुड और सी में क्या होगा बेटू कैपेसिटेंस कितने हैं सर दो हैं हाँ तो कैसे लिखूंगा मैं बेटू सी ए प्लस सी जे है ना लिखूंगा ना वेरी गुड लिख लीजिए और रिया एक चीज और हमने पढ़ा था कि जो टाइम कांस्टेंट होता है वो टाउ होता है पढ़ा है बेटू यस सर और टाइम कांस्टेंट टाउ को हम कैसे लिखते हैं बेटू आर इक्विवेलेंट इनटू आरसी है ना तो लिख लीजिए आरसी लिख लीजिए बेटू आरसी लिख लीजिए सब कोई अब ये टाइम कांस्टेंट आ गया ये जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो इसको टाइम कांस्टेंट भी बोलते हैं टाउ इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट सी क्यू हियर आर इक्विवेलेंट के जगह पे बेटू आर इक्विवेलेंट आर एल पैरेलल टू आर ए है तो आर इक्विवेलेंट में ध्यान से देखना इज इक्वल टू क्या होगा सिंस आर एल इज वेरी वेरी लार्जर देन ए मानते हो बेटू यस सर बिकॉज ये आर एल जो है बहुत ज्यादा है और ये एम्पलीफायर का है तो ये बहुत ज्यादा बड़ा होगा बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो आप डायरेक्टली आर एल भी उसको लिख सकते हैं सिंस आर एल के ज्यादा होने के कारण आर एल का वैल्यू बहुत ज्यादा होने के कारण इसका जो रिस्पॉन्स आएगा बेटू रिस्पॉन्स आएगा वो पहले बहुत अच्छा रहेगा जीरो एंड आफ्टर सर्टन टाइम आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज यू नो फ्रीक्वेंसी में मैं लू तो ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा बेटू पहले ऐसे और फिर ऐसे डिक्रीज होने लगेगा क्योंकि आर एल के साथ आर एल बहुत ज्यादा है तो
तो धीरे धीरे लॉसेस बढ़ने। तो फाइनली थ्रू द डेरिवेशन ऑफ दिस एसी इक्विवेलेंट सर्किट वी हैव फाउंड दैट द रिस्पॉन्स ऑफ दिस यू नो द सर्किट एसी इक्विवेलेंट सर्किट इज बिहेव्स एज अ, ये कौन सा फिल्टर है बेटू, कौन सा फिल्टर दिख रहा है, ये फ्रीक्वेंसी का रिस्पांस कैसा दिख रहा है, मतलब ना पहले ऐसे ऐसे पास करने दे रहा है ना। सो यदि आप इसका आप यदि आप रिस्पांस के लिए इक्विवेलेंट में देखोगे तो दो तरीके का होता है रिस्पांस बेटा, आप पहले को पास करने देते हैं फिर रिजेक्ट करते हैं, दूसरे में क्या करते हैं इसको रिजेक्ट करते हैं फिर हाई करते हैं ना, इसको पास करने देते हैं। तो एक फिल्टर होता है लो पास है ना, एक होता है हाई पास है ना, ठीक है। तो आपका लिख लीजिए पहले, इतना लिख लीजिए, सो हियर इन दिस इक्विवेलेंट सर्किट लॉसेस विल इंक्रीज एट द हाई फ्रीक्वेंसी, लॉसेस विल इंक्रीज एट हाई फ्रीक्वेंसी राइट। तो ये फिल्टर किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा, लिख लूं मैं, लो पास फिल्टर की तरह राइट। वकास प्लीज अनम्यूट एंड टेल मी, आपको रिसीवर इन पे कैसा चाहिए होता है, किसी भी याद रखना किसी भी आपको कौन सा बैंड चाहिए, 3 dB बैंडविड्थ चाहिए होता है, पता है आपको रिसीवर पे जो बैंडविड्थ वाला जो कल्चर है वो हमारा हमेशा क्या है 3 dB बैंडविड्थ, फ्लैट बैंड हमें चाहिए होता है फ्लैट बैंड। लेकिन यहां तो क्या मिल रहा है बेटा, रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है, लो पास। मुझे फ्लैट बैंड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटू, मुझे फ्लैट बैंड चाहिए ऐसा ऐसा और ऐसा, ये फ्लैट बैंड चाहिए सर, बैंड पास फिल्टर करना पड़ेगा। बैंड पास की लो पास में यदि हाई पास जोड़ोगे तो नहीं मिल जाएगा बेटू आपको एक मतलब हाँ यस हाँ बैंड पास, तो आपको ये फ्लैट बैंड मिलेगा कब, जब कोई एक हाई पास फिल्टर जोड़ोगे। तो आपने सर्किट में देखा एक चीज कि एक क्या लगाया है मैंने, इक्वलाइजर, इक्वलाइजर लगाया है, क्योंकि हमने कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ा है वी कैन यूज द बैंडविड्थ ओनली व्हेन व्हेन दे विल बिहेव एज अ 3 dB बैंडविड्थ फ्लैट बैंड राइट, फ्लैट बैंड होगा तभी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरा एसी सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आपका रिस्पॉन्स जो है लो पास फिल्टर है, तो मुझे इक्वलाइजर, इक्वलाइजर क्या होता है यदि हाई आ रहा हो तो उसमें क्या जोड़ेगा, लो, लो जोड़ेगा, और लो है तो क्या जोड़ेगा, हाई। तो इसलिए इसका नाम है इक्वलाइजर। सो राइट नाउ सो वी शुड लिख लो अच्छे से लिखना बेटा, सो कंक्लूजन इज, सो कंक्लूजन इज, सो वी नीड, वी शुड ऐसा लिखो, वी शुड रिक्वायर फ्लैट बैंड रिस्पॉन्स एट द रिसीवर फोटो डिटेक्टर Photodetector output, hence to get this nature, we will add high pass filter response, और ये कौन करेगा, equalizer। आर्यन सही है, आर्यन आर्यन यहां तक सही है, आर्यन ऑनलाइन हो, अभिनंदन जोशी बेटा, अभिनंदन अभिनंदन प्लीज अनम्यूट बेटा, इक्वलाइजर हेयर डू द लो पास फिल्टर प्लस हाई पास फिल्टर। आदित्य सिंह रोल नंबर 7, तो एट द रिसीवर एंड, आदित्य प्लीज अनम्यूट, व्हाट इज दिस, यस सर, हाँ तो अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे थे सर, वो थोड़ा इधर ही था सर, वो ऑन ही हो रहा था। अच्छा हाँ ठीक है, तो कैसा रिस्पांस मिलेगा मुझे यहाँ पे रिसीवर इन पे, फ्लैट बैंड पढ़ाया अभी तक, मैंने पढ़ाया अभी तक, हाँ सर फ्लैट बैंड रिस्पांस मिलेगा। और ये एसी सर्किट का आउटपुट क्या आएगा सर, एसी सर्किट सर, एक सेकंड देखना पड़ रहा है,
कैसा फिर था रिस्पॉन्स? यहाँ देख लो स्क्रीन पे देख लो सर, लॉस ज्यादा था हाई फ्रिक्वेंसी पे। हाँ तो क्या था वो लो पास फिल्टर जैसे बिहेव कर रहा था। ओमके सर ऑनलाइन हो? यस सर। तो एट द रिसीवर एंड हमें क्या चाहिए, क्या लगाना पड़ रहा है बेटू? इक्वलाइजर, फ्लैट बैंड, इक्वलाइजर। इक्वलाइजर से मुझे एक फ्लैट बैंड मिलेगा एंड उस फ्लैट बैंड को हम यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। So this is the circuit analysis of your pin diode. So I don't the circuit analysis of this the pin diode. So एक चीज और बताता हूँ मैं, APD सब कुछ मैंने पढ़ाया, APD आपको खुद पढ़ना है, एवांची फोटो डायोड राइट, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ओनली 40 स्टूडेंट्स आर देयर, 42 स्टूडेंट्स आर देयर, रियली रियली बैड राइट, पर ठीक है आपका ऑटो 60 इज मतलब आई एम रियली सरप्राइज। So, मैं थोड़ा सा एक बता देता हूँ इसमें क्या होता है एवांची फोटो डायोड में, इसमें इस तरह से डोपिंग करते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इस तरह से बढ़ जाए, इतना ज्यादा बढ़ जाए डोपिंग के साथ कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाए राइट, ब्रेक डाउन हो जाए और दिस इज द नेचर। सो आप डोपिंग यहाँ पे करते हैं इस तरह से कि आपका नो सडनली से ब्रेक डाउन अपीयर होगा, इसलिए इसको एवांची ब्रेक डाउन भी बोलते हैं। और नो डाउट जो हमारा पिन डायोड से ना ज्यादा थोड़ा अच्छा इसका रिस्पांस होता है, तो प्लीज एपीडी आपको खुद पढ़ने हैं अभी, बिकॉज अदरवाइज मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब्स आर नॉट सीरियस, तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि क्या करना है आपको, बट एपीडी आपको खुद पढ़ना है। मैं भी पढ़ाना चाह रहा था लेकिन अभी मैं इसको स्टॉप करूंगा, एपीडी आपको खुद करना है और मैं उसका वीडियो भी नहीं दूंगा, आई विल नॉट प्रोवाइड एनी वीडियो राइट, बिकॉज योर क्लास रिस्पॉन्स इज रियली बैड राइट, और मेरे जैसे ऐसे करोगे तो इस रियली आप तो लॉयल हो ही नहीं सकते बेटा, रियली बैड। यदि आप का बिहेवियर इस तरह से होगा ना तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे राइट। ओके सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। नाउ मैं फर्दर आगे चल रहा हूँ आपके फोटो डिटेक्टर में, उसमें सबसे पहला आता है रिस्पांस टाइम। सो राइट डाउन रिस्पांस टाइम एनालिसिस, रिस्पांस टाइम एनालिसिस ऑफ फोटो डिटेक्टर, फोटो डिटेक्टर। सो रिस्पांस टाइम एनालिसिस का मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, रिस्पांस टाइम एनालिसिस क्या होता है, उसके बाद फिर मैं आगे चलूंगा। कल मैं ले रहा था ये इंटर्नशिप का वाइवा, अपना एक बार पूछ दो कुछ तो फिर बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी आपके लिए, और पाइथन तो मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा तो मुझे आता है, आप तो फाइनल ईयर में है, हम तो भाई कर लिए इंजीनियरिंग। ओके सो नो इशू, नाउ रिस्पांस टाइम एनालिसिस में कैसे करेंगे। सो मैंने एक प्रॉमिस किया था आपको डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, इस सबके एग्जांपल्स मैंने आपको थोड़ा मैंने मुझे बताना है क्योंकि मुझे लगता है कि जो सीरियस है उनके लिए तो जरूरी है बेटा राइट। सो फर्स्ट सी द कंस्ट्रक्शंस, वो क्यों उसमें रहे जो 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 सीरियस है उनको तो कम से कम मैं समझा पाऊं है ना। सो ओके सो रिवर्स बायस है तो नो डाउट, और हमेशा देखना ये जो विड्थ होता है ना बेटा कोई नहीं बताएगा, दिस विड्थ इज ऑलवेज स्मॉलर देन दिस, सो ओमेगा डैश इज ग्रेटर देन ओमेगा राइट, यही सब पूछेगा आपको। चलिए ठीक है, कॉन्सेप्ट कौन देखता है कॉन्सेप्ट आजकल यार। सो पी एन और ये जो लेयर है दैट इज ऑलरेडी यू नो इंसर्ट लेयर है, कैसे किया है मैंने रिवर्स बायस किया है, तो रिवर्स बायस किया है तो वेरी गुड, तो यहाँ पे माइनस साइन और यहाँ पे प्लस साइन राइट होगा। ओके मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। ओके सो नो इशू, दिस आई लेयर का लेंथ है एल, जो मैंने लेंथ बता दिया आपको 20-30 माइक्रोन राइट।
एक करंट इधर से इधर फ्लो करता है, याद रखिएगा, और एक करंट यहां से यहां फ्लो करता है। एकदम पूरा मैं इस बार सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस बार आईआईटी मुंबई क्वेश्चन सेट कर रही है, तो उसमें फोर नो ऑप्शंस वाले में ना दो ऑप्शंस वाले भी कुछ आंसर रहेंगे, मोर देन वन ऑप्शंस, राइट, एंड एनालिटिकल क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा होने के चांसेस हैं, और थोड़ा सा चांसेस होता है बेटा कि मतलब गलत होने के चांसेस होते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, राइट, ओके। नाउ देख लीजिए, ये है ड्रिफ्ट, कहां से ड्रिफ्ट हो रहा है, कहां से डिफ्यूजन हो रहा है, इसके कारण क्या होगा मैं बताऊंगा अभी, ओके। नाउ यहाँ पे ये जो है वो है लाइट, और या बाइसेंस जो भी बोले, दिस इज पी साइड, देख लीजिए पी साइड, दिस इज एन साइड, होपफुली आपने बना लिया होगा, जल्दी से बना लीजिए तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसको बोलते हैं बेटा, ये जो है ना इसको बोलते हैं एज ऑफ द रीजन, एज, एज ऑफ द रीजन, दिस इज एज ऑफ द रीजन, इसी तरह ये भी एज है, ये भी। मैं ज्यादा गंदा नहीं करना चाहता हूं, नहीं तो दिखेगा नहीं, है ना। नाउ राइट डाउन, लेट अस अज्यूम दैट, यदि केस वन ले लो, केस वन व्हेन लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम पी साइड, पी साइड से लाइट इंसिडेंट ऐसे हो रहा हो तो क्या, मुझे इतना टाइम देना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, बट ठीक है अभी आप बच्चे ही हो, सो दिस इज ओके। नाउ राइट डाउन, लेट अस अज्यूम दैट, स्टार्ट करके लिखो, लेट अस अज्यूम दैट एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड, लेट अस अज्यूम दैट एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are generated through this process and reach to saturation velocity, n number of electrons generated and reach to saturation velocity ko hum beta hum likhenge vse, इलेक्ट्रॉन के कारण है इसलिए इलेक्ट्रॉन, सैचुरेशन है इसलिए एस, और वेलोसिटी है इसलिए भी बीएसई, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज एल, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड थ्रू दिस जर्नी इज एल, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट केस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, जो सैचुरेशन वैल्यू जब पहुंचा यहां पे, कहां पे पहुंचा, सैचुरेट हो जाएगा, तो यहां से यहां पे जाने पे वो सैचुरेट हो जाएगा, एंड डिस्टेंस एल, राइट। सो राइट ऑन, फर्स्ट ट्रांजिट टाइम कैन बी कैलकुलेट, इसको टी आर भी बोलते हैं कहीं पे, सो राइट ऑन टी भी बोल सकते हैं, ट्रांजिट टाइम, और कहीं पे आर एस भी बोलते हैं, तो एल बाई क्या होता है, टी इज इक्वल टू क्या होता है बकास, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, सो एल बाई बी एस सी, हाँ, सो एल बाई बी एस सी, राइट, लिख सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस बाई बी एस सी, सो लिख लीजिए, ये टाइम कौन सा टाइम होगा, जब ये यहां से यहां क्रॉस कर जाएगा, सो दिस टाइम इज नथिंग बट ट्रांजिट टाइम, कौन सा टाइम होगा, क्रॉस द आई लेयर, द टाइम इज रिक्वायर्ड टू क्रॉस दिस लेयर, वेरी गुड। सो
ट्रांजिएंट टाइम को टीटीआर लिख लो बेटा, ट्रांजिएंट टीटीआर, ट्रांजिट मतलब टी टीटीआर और टाइम टी, तो टीटीआर ऐसे लिख रहे हैं टीटीआर। ओके वेरी गुड। नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यू टू दिस प्रोसेस एंड वोल्टेज अपीयर, द करंट फोटोन करंट इज अपीयर्स इन दिस प्रोसेस, सॉरी लो करंट पल्स, करंट पल्स, दिस इज नथिंग बट जो भी मैंने बोला एल बाई बी एस ई, दिस इज द पी साइड। तो करंट जो इसमें प्रोड्यूस्ड होगा दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एल ई बाई टी टी आर, टी टी आर। सो द फोटो करेंट, फोटो करेंट, इफ द फोटोन इंसिडेंट फ्रॉम पी साइड इज इक्वल टू एन ई बाई टी टी आर, और एन ई बाई टी टी आर को वैल्यू को पुट करेंगे तो फाइनल वैल्यू क्या आएगा प्रकाश? एन ई, यस सर, फाइनल वैल्यू क्या लिखूं मैं? टी टी आर की जगह वैल्यू पुट कर दो, एन ई वी एस ई अपॉन एल, सो दिस इज आर। ओके सो दिस इज द केस वन, व्हेन व्हेन लाइट इंसिडेंट, लाइट फोटोन इज इंसिडेंट फ्रॉम पी साइड। ये फोटोन इंसिडेंट क्यों बोल रहा हूं बकास, थोड़ा क्लियर करोगे? ये फोटोन इंसिडेंट मैं क्यों ले रहा हूं बेटू, क्योंकि ये पिन डायोड है बेटू, yes, पिन डायोड है, तो ऐसा लेयर है पी आई एन, और मैं फोटोन इंसिडेंट की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में ये जो जनरेशन हुआ था सोर्स में इलेक्ट्रॉन होल जनरेशन के बाद फाइनली क्या बना था? फोटोन। फोटोन ट्रेवल करते 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 यहां पे पहुंचेगा, ये होगा रिसीवर, यस सर, और ये तो यहां पे फोटोन स्ट्राइक होगा, इसलिए मैं फोटोन लिख रहा हूं, है ना? ओके सर। तो कभी कभी पूछना होता है कि क्या है फोटोन, क्यों स्ट्राइक कर रहा हूं, क्योंकि, और मैंने ये भी पढ़ा है कि क्या पढ़ा था, आउट ऑफ 1000 फोटोन ओनली वन फोटोन विल बी अपीयर, राइट? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी डिटेक्टर की बहुत ज्यादा होनी चाहिए, है ना बेटो? बहुत ज्यादा होनी चाहिए, राइट? मैंने जो पढ़ाया तो यहां तक ठीक है बकास, यहां तक ठीक है? यस सर। नाउ केस टू क्या होगा बेटू ओमकेश्वर, केस टू क्या होना होगा? केस टू सर, हाँ केस टू क्या होगा? फोटोन में मेरा पी आई एन, तो एक बार तो मैंने इस तरह से फोटोन किया बेटू, अब रिसीवर बस एन के साइड से, हाँ, सो राइट डाउन केस टू, व्हेन द लाइट इंसिडेंट फ्रॉम एन साइड, लिख लीजिए, व्हेन the light incident from n side, so लिख लीजिए n side, यदि n side से यदि appear होगा तो what happened, right? okay, so very good. so ध्यान से देखना आप, note करके, हाँ बकास अनम्यूट रहना, यस सर। अभी क्वेश्चन है, यदि ये क्वेश्चन जवाब दे दोगे तो मैं समझूंगा कि हाँ कि अभी तक मतलब पढ़ा है कुछ, ध्यान से देखना। यदि मेरा ये इंसर्ट लेयर था, वेरी गुड, पी आई एन, तो मैं जब यहाँ पे होल ये कर रहा था ना बेटू, यहाँ पे एच म्यू डाल रहा था, तो इस लेयर को जब मैं पी साइड में था तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा था, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला था ना मैंने, yes, है ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शंस वाला चीजें फ्लो करेंगी, और जब ये एन है तो कौन सा फ्लो करेगा? होल्स ट्रेवल करेंगे, होल्स ट्रेवल करेगा। प्लीज आप जो भी ऑनलाइन है, पता नहीं वर्चुअल ऑनलाइन है कि कहीं गायब है, तो सब आप पे डिपेंड करता है, मेरा काम है एज ए टीचर पढ़ाना, और मैं एक बहुत बड़े कंसेप्ट अभी बता रहा हूँ, यदि आप दो मिनट ध्यान दे दें, तो यहाँ पे बायस करेंगे तो पी साइड से मैंने बोला था कि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा, और इधर से करूंगा तो मैंने बोला था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, यहाँ पे होल फ्लो करेगा। तो क्वेश्चन इज कि किसका स्पीड ज्यादा होता है वकास? स्पीड सर इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा होता है, यस, सो स्पीड ऑफ, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन इज हायर देन होल्स, है ना बेटू? सो टाइम किसको कम लगेगा सैचुरेट होने में बेटू, पी साइड से इंसिडेंट होने में कि एन साइड से होने में? पी साइड से कम टाइम लगेगा,
थ्री साइड से कम टाइम लगेगा। तो आप इसको मानते हैं, यदि मेरा फोटोन करंट एक ऐसा है, इंपल्स ऐसा है, तो दूसरा वाला ऐसा होगा, कौन पी का होगा, कौन एन का होगा, पी साइड का कौन एन साइड का, कम ड्यूरेशन फ्रॉम पी साइड, दिस इज फ्रॉम एन साइड, होगा कि नहीं होगा? Yes, होगा, क्योंकि ये बोलो कर दिया क्योंकि टाइम ज्यादा लगा बेटू, ट्रांजिएंट टाइम जो है वो ज्यादा होगा, यहाँ पे ट्रांजिएंट टाइम कम होगा। ट्रांजिएंट टाइम इज द टाइम व्हेन द सिचुएशंस विल अचीव, है ना, फ्रॉम हेयर टू हेयर, और यहाँ पे हेयर टू हेयर, है ना बेटू? सो सो करंट पल्स केस टू के लिए क्या होगा? अब बकास तुम मतलब अपने आप बता सकते हो कि नेचर ऑफ द करंट पल्स आईपी आईपी इट लुक लाइक दिस, सही है कि नहीं? सही, यस सर। सो दिस इज द सेकंड कांसेप्ट, सो राइट डाउन केस टू में लिख लीजिए, मैंने लिखा दिया है एन नंबर ऑफ होल्स क्रॉस द आई लेयर, सो इट विल टेक क्या मोर टाइम, देख लीजिए, सिंस एन नंबर ऑफ होल्स क्रॉस द आई लेयर केस टू में, सो इट विल टेक मोर टाइम, हेंस इंपल्स ऑफ करंट इंपल्स लुक लाइक दिस। ये वैल्यू एल है और ये ट्रांजिएंट टाइम का वैल्यू तुम बताओ कितना लिखूं मैं बेटू, टीटीआर का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, एल बाई क्या लिखूं बकास, एल बाई स्पीड ऑफ होल्स, स्पीड ऑफ होल्स एस एच लिखूं, सैचुरेट होने की ना, एस ई होता यहाँ पे एस एच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो लिख लीजिए, अब आई का वैल्यू आप बता दीजिए बेटू, आई का वैल्यू क्या होगा, एन इनटू नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स का क्या नोटेशन रखा है? यदि आप बताओ ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्स का लिया था ई, तो एन एच हो जाएगा, एच एनएच अपॉन एनएच वीएसएच अपॉन एल, है ना? So, मुझे पढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप खुद से कर सकते हैं, दिस इज आर दिस इज एस। और ऐसा नहीं कि मैंने बकास को चुना है क्योंकि उसको वो बता पाएगा, इसलिए नहीं, क्योंकि आप लोग, मैं किसी और से पूछता हूँ तो बहुत बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो एज अ टीचर हमें भी लगता है यार हमें भी तो वो करना है ना, आप ऑनलाइन रहोगे और रिस्पॉन्स ही नहीं करोगे, तो मैं तो ट्राई करता हूँ कि सबको इन्वॉल्व करके चलूँ, बट ठीक है, दिस इज ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो दिस इज इंटायर जर्नी में हमने देखा एच मतलब होल जो हमेशा पढ़ते आए हैं, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, राइट? तो होपफुली आपने इतना आप समझ पा रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो आपकी है बिस है, आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, हमेशा बताना, देखो पूछा गया, अब एक क्वेश्चन और गेट का, पता नहीं कितनों बार, या छोड़ो, गेट वोट तो अपने जगह है, ठीक है। द क्वेश्चन इज, मैंने दो चीज रिप्रेजेंटेशन किया था पहले वाले इसमें, वन इज डिफ्यूजन हेयर एंड वन इज ड्रिफ्ट। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि एट द जंक्शन पॉइंट विच वन इज बेटर ग्रेटर, तो क्या होगा? मैं अब इतना बता दिया है वकास ने, तो अब मैं आगे किसी से पूछता हूं, लोकेस क्या होना चाहिए बेटा? एक है डिफ्यूजन जो इलेक्ट्रॉन के पेनिट्रेशन के कारण हो रहा है, और एक ड्रिफ्ट जो है वो होल्स के कारण हो रहा है। यहाँ पे आपको मैं आप पिक्चर फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे है ड्रिफ्ट और यहाँ है डिफ्यूजन, है ना? तो बताइए लोकेश जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। तो मैं ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन में रिलेशन क्या लिखूं बेटा? देखो पूछूंगा होगा ही नहीं, क्या बोलूंगा, ड्रिफ्ट में ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा? अभिषेक कुमार रजक, अभिषेक कुमार रजक, इफ यू आर एबल टू आंसर देन इट्स रियली ग्रेट, नहीं तो मैं आगे चलूंगा। अनीस सरीन, अनीस, यस सर, हाँ अनीस, अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड ज्यादा है और जल्दी ट्रेवल कर लिया, उस हिसाब से मैंने अभी फिर से आपको दिखाता हूँ बेटू, आप देख लीजिए, देख पा रहे हैं ना बेटू, यहाँ पे ये डिफ्यूजन है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण है, ड्रिफ्ट जो है वो होल्स के ड्रिफ्ट के कारण है, तो कौन सा बड़ा होगा बेटू? सर ड्रिफ्ट ही बड़ा होगा, ड्रिफ्ट बड़ा होगा, हाँ जी, तो लिख लीजिए नोट करके, सिंस डिफ्यूजन इज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो
diffusion current, diffusion phenomena is always greater than drift phenomena. जब इतना हिंट देने के बाद नहीं बोल पा रहा था क्या हम, तो इट्स ओके, आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, तो इट्स ओके, नहीं आ रहा है तो प्लीज आस्क मी, अदरवाइज आई विल मूव. सो बकास समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है? Yes, sir. तो कभी भी पूछा जाए कि विच फेनोमेना इज ग्रेटर देन एंड व्हाई, यू आर एबल, सिर्फ ये नहीं कि रिलेशन आप निकाल पाए आप. ओमकेश्वर क्लियर है बेटो? रिया क्लियर है बेटो? तो होपफुली मैं तो सही अपने हिसाब से वो कर रहा हूँ, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे फ्लो करते हैं. ओके सो आगे चलते हैं. एक एक है अपना, तो इंटायर प्रोसेस जो होगा, नाउ लेट अस राइट डाउन, नाउ एनालिसिस ऑफ दिस रिजल्ट. एक का था बेटू हाई पीक लो डिस्टेंस, एक का था आपका लो पीक लार्जर डिस्टेंस. ओके सो जंक्शन जो बनता है हमेशा, जंक्शन इज ऑलवेज कहां होता है फॉर्म जंक्शन, उनके सर जंक्शन कहां बनेगा हमेशा किसी भी जंक्शन लेयर में, दो लेयर्स के मिडिल. यस, दो लेयर के मिडिल, सो मिडिल, सो वेरी गुड. सो मिडिल में, तो मिडिल का डिस्टेंस, सबका डिस्टेंस यदि मैंने एल लिया है उनकेश्वर, तो मिडिल इसका क्या होगा बेटू, मिडिल डिस्टेंस है ना बेटू, तो लिख लीजिए. सो इफ द कैरियर, इफ बोथ द कैरियर जनरेशंस, इफ द बोथ द कैरियर जनरेशंस, इफ द बोथ द कैरियर जनरेशंस अपीयर्स एट द मिडिल ऑफ द जंक्शन, मिडिल ऑफ द जंक्शंस, देन द बिहेवियर लुक लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड अदर वन इज अ होल फ्लो, होल फ्लो राइट. ये और इनके बीच में मुझे कोई एनालिसिस करनी पड़ेगी, वेरी गुड, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके वेरी गुड. सो हम कंबाइंड करेंगे दोनों का, नेचर का कंबाइंड. सो वन नेचर इज बिहेव्स एज अ पीक करंट बट जल्दी डाई आउट, जल्दी सैचुरेशन. दूसरा ए स्मॉल पीक बट लार्जर डिस्टेंस, लार्जर पीक. सो दिस इज वन फेनोमेना, दिस इज सेकेंड फेनोमेना, दिस इज आई पी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन. हाँ आई हैव टू गो, ओके, एंड दिस इज आई पी ड्यू टू होल्स. ओके सो दिस इज द कंडीशन. ओके इतना ठीक है. अब ये फर्स्ट सेकेंड दोनों को जब कंबाइन करेंगे, इफ यू कंबाइन बोथ, तो कैसा नेचर आएगा, कैसा नेचर आएगा आकांक्षा, कैसा नेचर आएगा बेटू, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो कैसा नेचर आएगा बेटू, इन दोनों कंबाइन करो, इसको और इसको, एक इलेक्ट्रॉन के कारण एक होल्स के कारण, तो कैसा नेचर होगा आकांक्षा, हो ऑनलाइन? यस सर. हाँ तो कैसा नेचर होगा बेटू, कंबाइन करेंगे तो, इन दोनों कंबाइन करेंगे तो आपको नेचर ऐसा दिखेगा, क्योंकि ये क्लास में है नहीं, तो ये दूसरा वाला और ये आई वाला और ये आई एच वाला होगा बेटू, होगा कि नहीं होगा? और ये जो वैल्यू है वो है एल बाई बी एस ई, और ये वैल्यू है बेटू ये है एल बाई बी एस एच राइट. नाउ कंबाइन करेंगे तो ये हमें जो है ये दिखेगा इस तरह से, बट दिस इज नॉट इन फॉर्म, दिस इज नॉट इन फॉर्म. ओके नाउ मुझे तो चाहिए, क्या चाहिए फाइनली, मुझे फाइनली क्या चाहिए होता है. आर्यन ऑनलाइन हो? आर्यन मल्होत्रा, दिग्विजय अनम्यूट होना बेटू, गरिमा अनम्यूट. यस सर. तो yes, हाँ तो यहाँ पे आउटपुट पे मुझे क्या मिल रहा है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म. ये गरिमा यहाँ तक ठीक है, क्लियर है? यस सर. मुझे तो नॉट यूनिफॉर्म मिला,
लेकिन मैंने अभी जस्ट पढ़ा था कि मुझे चाहिए फ्लैट बैंड जैसा इंफॉर्म, है ना, मतलब इनफॉर्म नेचर चाहिए, है ना, इनफॉर्म नेचर चाहिए. तो इनफॉर्म नेचर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बाइसिंग उस तरह से करनी पड़ेगी कि इसको थोड़ा ज्यादा बाइसिंग कर दें, इसको ज्यादा बाइसिंग कर दें. तो इस तरह से बाइसिंग फ्रॉम पी साइड फ्रॉम एन साइड, मतलब इस तरह से बाइसिंग को कंट्रोल करके लिखो. राइट डाउन, तो गेट द इनफॉर्म नेचर, टू गेट द इनफॉर्म नेचर, टू गेट द इनफॉर्म नेचर वी शुड कंट्रोल द बाइसिंग फेनोमेना. एंड बाइसिंग फेनोमेना इस तरह से हम करते हैं बेटू, फाइनली मुझे इस तरह का रिस्पॉन्स मिले. तो ये जो बैंड है, यहां तक का बैंड जो है, दैट इज यू नो फ्लैट रिस्पॉन्स, है ना, या यहाँ पे फ्लैट बैंड नहीं बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं यूनिफॉर्म नेचर, यूनिफॉर्म नेचर. सो टू यहाँ तक ठीक है पहला, ये गरिमा यहाँ तक ठीक है ना, ये ज्यादा बड़ा होगा बेटू, ये थोड़ा yes, ये कम होगा, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा और ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, दोनों कंबाइन करके ये बड़ा बड़ा हो गया. और मैं थोड़ा सा अलग कलर ले लेता हूँ. तो ये जो है, ये जो है, ये उसका मैंने कंबाइन जोड़ा है ना बेटू. yes, sir. हाँ, ये दोनों को जोड़ा है. तो बोलो ये है हमारा पहला वाला आई और ये आई भी, दोनों को जो दैट इज नॉन इन्फॉर्म है. बट इन्फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ये जो मुझे इन्फॉर्म अच्छा मिलेगा उसको मैं बाइसिंग को कंट्रोल करके मिल सकता है. तो दिस इज द इंटायर यू नो द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू विथ यू नो दिस क्या नाम है पिन डायोड. राइट, ईपीडी में मैं बहुत थोड़ा सा नाराज हूँ, लेकिन फिर भी मैं पिन ईपीडी का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. वांछित फोटो डायोड में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर करते हैं, उसमें हमें क्या करता है, वांछित ब्रेकडाउन करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर रीजन में हमें ग्रुपिंग इस तरह से करनी पड़ती है कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इतना ज्यादा बड़ा हो जाए कि वांछित ब्रेकडाउन हो जाए और उससे मुझे ज्यादा से ज्यादा जो जो फोटो करंट है वो हमें मिल पाए. तो ये चीजें, एक चीजें आपको भी पढ़ लें, ये तो कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब आप ना कुछ पढ़ेंगे ही नहीं अपने लिए, तो उसको देख लीजिए. फिर भी कुछ जरूरत होगा तो मैं बता देता हूँ. नाउ आई एम इन लास्ट पेज ऑफ फोटो डिटेक्टर, उसके बाद मुझे WDM थोड़ा बताना है, बिकॉज आज ही मैं चाहूंगा खत्म कर लें. एक घंटा आधा घंटा और भी लग जाएगा तो ठीक है, लेकिन मुझे पता है आज हम खत्म कर लेते हैं. तो थोड़ा आप लंच आप लोग अपना अपना थोड़ा सा थोड़ा लेट कर लीजिएगा. राइट, और कोई बात नहीं, आप तो लंच करते भी हैं, हमें तो मौका भी नहीं मिलता. तो दिस इज द नो बेस्ट टाइम फॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट टाइम. जब आप जॉब करेंगे तो एक कभी कभी हमें और भी स्टूडेंट तो करते हैं, आपको भी कभी टाइम मिले तो बताइएगा अपना हाल, क्या जिंदगी में क्या हाल होता है, है ना. एक रुपया कोई देगा ना तो 10 रुपए का काम लेगा वो. अभी आप बस निकलना, मैं चाह रहा हूँ जल्दी से ये जून कंप्लीट हो और आप रियल लाइफ देख पाए कि कितना मेहनत है, और तब आप समझ पाएंगे कि हम क्लास मतलब जब सर रेगुलर क्लास ले रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, फिर भी आप गाइड कर रहे हैं पहले क्लास से, हाउ यू कैन इन्फॉर्म एंड हाउ यू कैन डू योर वर्क सो दैट यू कैन प्लेस्ड इन अ गुड कंपनी. बट प्लेस्ड होने के बाद भी फ्यूचर जो है यू नो पैसे के हिसाब से, मतलब कंपनियां जो होती है ना खून चूसती है खून. सो और ऐसा नहीं है, आजकल गवर्नमेंट जॉब में भी ऐसा ही है. हम सुबह में, हम आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 9 AM आता हूँ, 9 PM से पहले कभी नहीं जाता. आप तो यहाँ पे रहे हैं तो कम से कम आप सिस्टम को आप लोग भी थोड़ा सा उस कभी कभी डाइल्यूट ना होने दें. राइट, नहीं तो दुख होता है एक अच्छे टीचर को जो मेहनत करता है, उसको लगता है यार क्या फर्क पड़ता है फिर तो वो अच्छे हैं जो मतलब ना ले क्लास, क्या फर्क पड़ता है. PPT किसी का दे दें, चलो PPT पढ़ लो, है ना, रिसोर्सेज का थोड़ी कमी है बेटा. ओके, सो नो इशू. अब हम आगे चलते हैं, यू नो सेकंड लास्ट टॉपिक है अपना पिन डिटेक्टर का, उसके बाद लास्ट टॉपिक में जाऊंगा. सो राइट डाउन, देयर आर सम नॉइज, किसी भी चाहे आप एनालॉग डिजिटल किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ते हैं तो नॉइज का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. सो नॉइज का प्रोसेस क्या होता है इन द फोटो डिटेक्टर में, उसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ. सो राइट डाउन, नॉइज प्रोसेस इन द डिटेक्टर, नॉइज प्रोसेस, noise process in the photo detector. Right, so pahla hai jo pahla parameter hai, that is quantum noise.
और प्लीज आज जब अभी मैं क्लास खत्म करूंगा तो मुझे थोड़े से जो वो है बच्चे क्वांटम और शॉर्ट नॉइज भी बोलते हैं इसको, जो ऑरेंज का है उसके बारे में थोड़ा समझिए डिस्कस करना है राइट। सो क्वांटम और शॉर्ट नॉइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट डाउन क्वांटम नॉइज और शॉर्ट नॉइज कैन बी द फैक्टर ऑफ आई क्यू स्क्वायर, इसको ऐसे लिखते हैं, दिस इज द स्टैटिकल प्रोसेस ऑफ फोटोन। मैं सब कुछ लिख देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा इजी पड़े, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस ऑफ फोटोन राइट, एंड दिस इज कैन बी कैलकुलेटेड एज 2qIpBm2fm। डोंट वरी सब बताता हूं मैं, ओके तो इसमें है क्या, IP सबको पता है, Q पता है चार्ज, IB द फोटोन करेंट, दिस द बैंडविड्थ, B इज द बैंडविड्थ राइट, प्लीज राइट डाउन, M is the multiplication factor और FM जो है आपने सबने पढ़ा होगा noise figure। कैसे कैलकुलेट करते हैं noise figure, गरिमा पता है noise figure क्या होता है? Yes sir। हाँ noise figure कैसे करते हैं? So yeah। Oh God। कुछ सिग्नल टू नॉइज रेशियो का आउटपुट बाय इनपुट और उसमें से लॉग ले लेते थे, है ना? यस सर। तो दिस इज यू नो द फैक्टर ऑफ दिस क्वांटम नॉइज। अब तो कभी को लगता है क्या कि एक चीज और है कि कभी कभी देखा जाए तो आपको कभी में लगता होगा कि यार मैं तो इतना पढ़ाई किया लेकिन जब प्लेसमेंट में आई बारी आई तो मुझे तो सिर्फ कोडिंग का थोड़ा जरूरत पड़ा और थोड़ा IoT जो निसेंट है उसकी जरूरत पड़ी, बाकी तो कोई जरूरत है ही नहीं क्या पढ़ने का इतना। तो कंपनी भी यही सोचती होगी यार क्यों ना हम BSc और BA वाले को ले लें, उनको हम ट्रेन कर देंगे, इंजीनियर का क्या होगा, है ना? नहीं, कभी भी याद रखें जो चीज आप ये सब पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स कर रहे हैं वो आपके एनालिटिक को बढ़ाता है राइट। और ये चलिए मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम मतलब इतना होने के बावजूद हम कोर में काम नहीं कर पा रहे हैं, है ना? तो मैं किसी को उसमें दोष नहीं दूंगा बट दैट इज द रियलिटी, इसलिए आप इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते ना, ओके बट अभी और हम सब चीज को जॉब से जोड़ दिया है हमने। आज मैं देख रहा था कि एक कंपनी है, हम बोलते हैं कि वो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया और इतना एडवांस लेवल का उसने बनाया है, जबकि वो मोपिंग और जो सफाई करने के लिए जो रोबोट बनाया है वो हम लोग कर चुके हैं, मतलब हमारे बच्चे भी कर चुके हैं, बहुत पहले भी कर चुके हैं, बट ना उनको सपोर्ट है ना कोई, ना हमने सपोर्ट दिया, हमारी भी गलती है कि वो कोई कंपनी खोल पाए और इतने एडवांस लेवल का हम बना पाए कि हम 25,000 का बेच पाए। सो यस लैगिंग तो है बेटा। तो आगे चलते हैं, नॉइज फिगर के बाद चलते हैं सेकंड इज नोन एज यू नो राइट ऑन डार्क करेंट, सेकंड वन इज द डार्क करेंट राइट। और इसके मैं किसके प्रोस्पेक्टिव में बात करूंगा, डार्क करंट का मतलब राइट नॉइज के टर्म्स में बात करूंगा राइट। कोई बता सकते हो डार्क करंट क्या होता है, अंधेरा वाला करंट क्या होता है भाई? कोई बता सकते हो डार्क करंट क्या होता है, एनीवन? नहीं बता पाओ, वेरी गुड। तो राइट ऑन sometimes due to absence of photon sometimes due to absence of h mu still certain current flows in the circuit right, bina light ke bhi ip yadi flow karne lage at the ambient temperature, देख लीजिए ambient temperature, right? At the ambient temperature, तो उसको हम बोलते हैं dark current, without you know any biasing or anything, and without you know light presence पे भी वो current flow करने लगे, that is known as you know dark current, okay? And this can be you know calculated in the two way,
बल्क मटेरियल्स के लिए अलग होता है और सरफेस के लिए अलग होता है, राइट। सो नाउ थर्ड वन इज थर्मल नॉइज। थर्मल नॉइज तो सबने पढ़ा होगा ना, थर्मल नॉइज लिख लीजिए। थर्मल नॉइज कैन बी कैलकुलेटेड एज आई टी का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं थर्मल नॉइज इज इक्वल टू, बहुत आराम, सबने पढ़ा होगा बेटा, आपको याद नहीं होगा बोले, 4 KTB/RL लिख लीजिए, 4 KTB/RL। थर्मल नॉइज इज इन द केस ऑफ फोटो डिटेक्टर इज 4 KTB/RL, राइट। और ये जो टी है टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टेंस है, राइट, के का मालूम ही है, बी बैंडविड्थ है, आरएल जो लोड है बेटा, आरएल इज नथिंग बट द लोड जो मैंने बहुत पहले सर्किट में दिखाया था। गरिमा पता है ना आरएल क्या है? गरिमा लोड रेजिस्टेंस। हाँ, लोड रेजिस्टेंस जो मैंने यहाँ पे बहुत पहले बताया है, आरएल जो ये, यस दिस इज आरएल, ओके। सो ड्यू टू दिस वो जो लोड है उसके कारण हमारे सर्किट में नॉइज अपीयर होता है, एंड दैट इज द थर्मल नॉइज। एंड थर्मल नॉइज पता ही है टेम्परेचर के कारण है, नाम ही उसका थर्मल, और दैट इज दिस फैक्टर टेम्परेचर, राइट। सो 4 KTB/RL, सो दिस इज द ऑल थ्री फैक्टर्स, ओके, इन द केस ऑफ दिस एनालिसिस, ओके। नाउ वी आर मूविंग इन द लास्ट फेज, राइट डाउन लास्ट फेज ऑफ द your ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिलेबस में सबसे जो लास्ट टॉपिक है हम उस पर आ गए। सो द टॉपिक नेम इज आई डोंट डब्ल्यू डी एम वेवलेंथ डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग, और इसका जो एक वेवलेंथ डिविजन के फैक्टर में भी साथ में बताने वाला हूँ ऑप्टिकल एम्पलीफायर, ये दोनों चीजें मुझे बतानी है। मैं बहुत डिटेल से आपको मैंने सब कुछ करवा दिया है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो WDM ऑप्टिकल एम्पलीफायर, मैं आपको सारे नोट्स और ये सब जो भी रिक्वायरमेंट है वीडियो के अलावा वो भी मैं आज भेज दूंगा, ओके। सो द क्वेश्चन इज व्हाई WDM इज रिक्वायर्ड। मैंने ऑलरेडी हमने लैब किया हुआ है WDM के बेसिस पे, तो मुझे लगता है सबको पता होगा, राइट। सो आपको मैंने बताया था कि दे आर थ्री बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड चैनल, राइट, चैनल। तो सबसे पहला क्वेश्चन है लोकेश शर्मा, प्लीज आप आ गए हैं तो बेटा प्लीज अनम्यूट हो जाइए, है ना। नहीं आए अभी तक आप, ठीक है, मैं आपका नाम भी नोट कर दूं, आप अभी इंटर्नशिप भी दिया ना कल मेरे अंदर, वेरी गुड। लबिस गुप्ता रोल नंबर 28, लबिस कोई है भाई? लबिस तो ट्रांसमीटर रिसीवर। साकिब लबिस हो ऑनलाइन? गुड आफ्टरनून सर। हाँ साकी, नहीं लबिस तुम हो ऑनलाइन? आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। हाँ साकिब यहाँ तक ठीक है बेटा, जो मैंने अभी तक पढ़ाया आपको? यस सर। अब हम लास्ट में जा रहे हैं, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्यों जरूरत है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ये अपना ट्रांसमीटर है पी, और ये है क्यू रिसीवर, राइट। तो यदि मैं यहाँ पे देखूं तो चैनल का जो बैंडविड्थ होता है वो कितना लेते थे बेटा, कितना मैक्सिमम बैंडविड्थ अभी यूज हो रहा है? साकिब, मोहसिन आपको आवाज आ रही है मेरी? तो अनम्यूट हो जाइए। नमन गुप्ता, निरंदेव सिंह, ओके, वेरी गुड सर। हाँ नमन हो अनम्यूट, तो बेटा बताओ चैनल का बैंडविड्थ, हाँ ऑप्टिकल का चैनल बैंडविड्थ क्या होता है बेटा, कितना तक जा सकते हैं अभी जो काम चल रहा है? कितना बैंडविड्थ, कितना? रिया खजूरिया, कितना होता है चैनल का बैंडविड्थ, ऑप्टिकल चैनल बैंडविड्थ?
सर वो 10 Gbps से 40 Gbps तक बैंडविड्थ ले सकते हैं। ये भी ठीक है, बट अभी कितना पे चल रहा है कोई बताएगा मुझे? सर 1 Gbps। आपका अपने लैब यहाँ पे ना SMU में ना? अच्छा सर 160 Gbps से तो NK 160 Gbps जो है वो इतना तक यूज कर सकते हैं। NKN हमें 10 Gbps तक मैक्सिमम देता है ना यहाँ पे इंडिया में, 40 Gbps तक जा सकता है। वेरी गुड। अब ये क्या होता है थोड़ा सा सबको बताओ रिया कि यहाँ पे जो क्या कन्वर्जन करते थे बेटा, किस फॉर्म से किस फॉर्म में ट्रांसमीटर पे? सर हम इलेक्ट्रिकल से ऑप्टिकल से। गुनेन दूसरे का साइड मत लो है ना, कल तो बहुत अच्छा इंटरनेट था इंटर्नशिप के लिए। ओके सिर्फ कनेक्शन करने के लिए है क्या इंटरनेट? कनेक्शन टूटा नहीं बीच में बिना इंटरनेट का? हाँ बेटा क्या करते हैं, किस में कन्वर्जन करते हैं? सर चीट करोगे ना, ऐसा चीट ऐसे जगह चीट होगे ना पता भी नहीं चलेगा। इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल या ऑप्टिकल टू ऑप्टिकल करते हैं बेटा। और किसके किसके थ्रू करते हैं बेटू? सर एलईडी एंड लेजर्स। वेरी गुड, एलईडी एंड लेजर्स राइट। और यहाँ पे अब ये पूरा क्या होता होगा चैनल? चैनल क्या होता है? ऑप्टिकल है ना। और रिसीवर इन पे क्या करते हैं बेटू? सर पिन डायोड या एवलांच डायोड लगाते हैं जो हमने अभी पढ़ा है ना। यस सर। ये पिन या एबीडी ये क्या करता है, किस डोमेन से किस डोमेन कन्वर्ट करता है? सर ये इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। किसमें? ऑप्टिकल से इलेक्ट्रिकल में है ना, क्योंकि फोटोन पढ़ रहा था उसको कन्वर्ट करता जा रहा था करंट में है ना, इलेक्ट्रिकल में यही पढ़ा थे अभी है ना। अभी तो ये तो चीज मैंने पढ़ते थे, अभी हम प्रूफ कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल में क्यों, क्योंकि चैनल हमारा ऑप्टिकल है और एलईडी लेजर जो है इसको कन्वर्ट करता है ना। प्रैक्टिकली देखा हमने ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल में कैसे जा रहा है, अभी फोटोन पढ़ा और उसको कन्वर्ट करके आ गया। और ये पूरा का पूरा जो है वो क्या दिखा रहा है बेटू, चैनल जो है वो ऑप्टिकल होता है। और ऑप्टिकल को किस डोमेन कैसे रिप्रेजेंट करते थे बेटू हम करते थे? इलेक्ट्रिकल को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? ये ग्रीन और ये ग्रीन और ब्लू। ठीक है वेरी गुड। मैं इसलिए रिवीजन कर दिया हूँ कि कल एक एक बच्चे ने ये भी नहीं बताया बेटा मुझे, मतलब आई वॉज रियली शॉक्ड। ठीक है इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू नो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। अब हम चलते हैं चैनल में। तो या यदि मेरा 160 Gbps का चैनल है और आप कितना यूज कर रहे हो अभी घर पे, कितना लाइन मिला हुआ है आपको Mbps का Gbps का, क्या मिला हुआ है आपको घर पे? आपने लाइन इंटरनेट लिया हुआ है बेटू? इंटरनेट नहीं लिया हुआ, आप 4G वाला 3G वाला यूज कर रहे हो राइट? सर नहीं 4G चल रहा है हमारे यहाँ। हाँ तो कोई है ऐसा बच्चा जिसने जिसका अभी लगा हुआ है घर पे? आकांक्षा लगा हुआ है आपका इंटरनेट? Yes, लगा है। कितना कौन सा लाइन लिया हुआ है? 2 Mbps लाइन लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है? तो लिया तो 100 Mbps है पर आता 5 से ज्यादा नहीं है। 5 Mbps ठीक है, तो 100 Mbps है ना। तो क्या था और ये 160 Gbps है। यदि मैं यदि पूरा का पूरा कंसर तुमको दूंगा तो कोई मतलब होगा क्या बेटा? तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बैंडविड्थ है उसको क्या करना पड़ेगा बेटू? डिवीजन करना पड़ेगा है ना। और WDM का हमने लैब भी किया है ना बेटू? यस सर, मैंने लाइव लैब करवाए हुए हैं। सो तो पहला ये है कॉन्सेप्ट है कि वाई WDM इज देयर। तो लिख लो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लिमिटेशन। Due to electronic component limitations, it is very difficult to send the data. It is very difficult to send the data beyond 10 Gbps. एक बार में 10 Gbps से ज्यादा डाटा भेजना very difficult है, electronic component का limitations है। दूसरा non linearities inside the optical fiber, जो linearity जो है वो maintain नहीं कर पाते हैं। क्या था linearity का, क्या मैंने एक lab करवाया था आकांक्षा याद होगा, जब हम पावर बढ़ाते थे तो एक सर्टेन लेवल तो नॉन लीनियर पहले तो कांस्टेंट रहता था फिर नॉन लीनियर होता। यस दैट इज द सेकंड फैक्टर। वन ट्रांसमीटर
and one receiver can be incorporated in up to 10 Gbps line. मतलब एक transmitter, यदि आप बहुत ज्यादा transmitter और receiver use करने लगेंगे एक ही line में तो बहुत complexity बढ़ जाएगी. तो ये दिशा तीसरा limitation है. दूसरा जो सबसे important है note करके लिख लीजिएगा, unutilization of bandwidth. So for better utilization of bandwidth, WDM is required. Wavelength division multiplexing is required. Okay. So यहीं पे मैं एक concept दिया था अभी. यदि मुझे 160 Gbps का कोई लाइन है, उसमें सिर्फ एक लाइन जा रहा है, उसमें मैं यदि मैं 100 Mbps का वो करूंगा तो कितने कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लो. तो ये इसको कर दो तो 16 × 10⁸, इतने नंबर ऑफ लाइंस मैं खींच सकता हूं यूजिंग WDM, राइट. दैट इज द एडवांटेज एसोसिएटेड विद द यू नो लार्ज नंबर ऑफ चैनल्स. नो वन चैनल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ चैनल्स को, लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को एड्रेस कर सकते हैं. यहां तक अब तो इनफाइनाइट यूजर्स तक की बात चल रही है, राइट. सो दैट इज द एडवांटेज, राइट. सो कैसे करते हैं, तो कैपेसिटी यदि सी है उसका चैनल का, तो हम डिवाइड करते हैं लैम्डा बाय 1 प्लस कॉमा सी बाय लैम्डा बाय 2, जो भी आपका है वो मैं उसके लैम्डास पे डिवाइड करता जाऊं, डॉट 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 से सी बाय लैम्डा एन. सो कैपेसिटी को हम डिवाइड कर सकते हैं nth नंबर ऑफ, nth बोलते हैं अब तो मैं बोल रहा हूं कि मे बी यू नो इनफाइनाइट नंबर ऑफ चैनल्स कैन बी इनकॉर्पोरेट. ओके, नाउ एडवांटेज देख लेते हैं थोड़ा, फिर मैं सीधे ये सब चीजें मैं ज्यादा कवर करता नहीं हूँ, बट ठीक है. मैंने ऑलरेडी लैब भी करवाया हुआ है तो डायरेक्टली मैं चलूंगा अपने अपने सिस्टम की तरफ और जो मेन रिक्वायरमेंट है वो चीजें मैं बताऊंगा, है ना. और चलते एडवांटेज देख लीजिए. पहला एडवांटेज है लो लॉस बैंडविड्थ ऑफ द फाइबर. WDM सिस्टम में लो लॉस बैंडविड्थ of the fiber between 1270 nanometer to 1650 nanometer. मैंने बताया 1270 nanometer क्यों लिखा आकांक्षा मैंने, क्योंकि हमने ये सब पढ़ा हुआ है और आप बता भी सकते हैं वहां पे material dispersion zero. हाँ जाइए, जिसका presentation है प्लीज मूव. ओके, I will say this, you know, but I will complete this lectures, okay, so that you can have the time for your presentation. Okay, now second, capable of carrying three lakh capable of carrying 3 lakh channels of 10 Mbps line. WDM 3 lakh channels को एक साथ accommodate कर सकता है 10 Mbps से, तो बहुत पहले की बात है, अब तो 100 Mbps से भी कर सकते हैं. तो pulse width required जो होगा वो few tens of second का पल्स विथ को भी हैंडल कर सकता है. वेरी वेरी यू नो पल्स विथ एकदम छोटा भी होगा, एकदम जो पता भी नहीं चले उसको भी एकोमोडेट कर सकता है. दिस दैट इज द यू नो एडवांटेज ऑफ द योर WDM सिस्टम, राइट. लास्ट वन इज इजी टू एसेस द बैंडविथ. यानी जो बैंडविथ आपका आपको दिया गया है B1 plus B2 plus B3 .. BN, एक सबसे सेपरेशन होता है यूजिंग गार्ड बैंड, तो कोई एलाइजिंग करने होने की कोई चांसेस नहीं होती, राइट. सो सब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, राइट. नाउ आर्किटेक्चर देख लेते हैं WDM का. आर्किटेक्चर ऑफ WDM सिस्टम, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. मैं पहले स्टार्ट कर देता हूं. आर्किटेक्चर ऑफ WDM सिस्टम, ओके. सो आर्किटेक्चर ऑफ WDM सिस्टम में
एक तरफ हम मल्टीप्लेक्सिंग लगाते थे, याद है, और एक तरफ डी मल्टीप्लेक्सिंग लगाते थे। तो आर्किटेक्चर ऑलरेडी किया हुआ है, बट मैं थोड़ा थ्योरेटिकली बता देता हूँ, प्रैक्टिकली वी हैव डन ऑलरेडी। ट्रांसमीटर वन, ट्रांसमीटर टू, डॉट 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 ट्रांसमीटर एन, सो लेमडा वन, लेमडा टू, डॉट 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 लेमडा एन, दिस इज द मल्टीप्लेक्सिंग। नाउ एम्पलीफायर, ऑप्टिकल फाइबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर एम्पलीफायर, फिर ऑप्टिकल फाइबर, फिर एम्पलीफायर, फिर यहां पे डीमक्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटू, रिसीवर वन, रिसीवर टू, डॉट 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 रिसीवर एन, और यहां पे लेमडा वन, लेमडा टू, डॉट 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 लेमडा वन। ओके, ये एक एम्पलीफायर है, एक एम्पलीफायर ये भी है, एक एम्पलीफायर ये भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। जो एम्पलीफायर रिसीवर के साइड में होता है उसको कौन सा एम्पलीफायर बोलते हैं, जो ट्रांसमीटर के साइड होता है वो क्या बोलते हैं, जो बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं, आकांक्षा क्या बोलते हैं, मैंने बताया हुआ था, जो बीच में होता है उसको बोलते हैं बेटा इसको इन लाइन, और इसको थ्री, और इसको लास्ट वाला है ना, तो उल्टा बोलते हैं, सही है। जो रिसीवर साइड होता है उसको प्री एम्पलीफायर, जो इस साइड होता है पोस्ट एम्पलीफायर, और जो बीच में होता है उसको बोलते हैं इन लाइन एम्पलीफायर, राइट, ठीक है। हाँ कांचा सही है, यस सर। ओके, सो फिर मैंने एम्पलीफायर को लेके चला हूं जिससे कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, राइट, एम्पलीफायर। सो ये एक तरफ से मल्टीप्लेक्स है, तो इधर क्या होगा बेटा, डी मल्टीप्लेक्स है ना, ठीक है। ओके, लास्ट ये दिस इज द आर्किटेक्चर, और उसके बाद हम सीधे एम्पलीफायर पे चलेंगे। राइट ऑन, दिस इज द एंटायर सिस्टम वेयर WDM रिक्वायरमेंट, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा। तो एक सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है WDM सिस्टम का, दे इक्विप्ड विद द डिस्पर्सन शिफ्टेड फाइबर। डिस्पर्सन शिफ्टेड फाइबर पढ़ाया मैंने, डिस्पर्सन शिफ्टेड और फ्लैटर्ड फाइबर पढ़ाया है मैंने कि नहीं पढ़ाया है कांचा जी, डिस्पर्सन शिफ्टेड फाइबर क्या होता है, यदि 1150 नैनोमीटर जो प्रॉपर्टीज है उसी प्रॉपर्टीज को मुझे 1650 तक शिफ्ट करना हो तो मैं एक शिफ्टेड फाइबर यूज करता हूँ, याद है ना, तो प्रॉपर्टीज बताया मैंने मुझे। दूसरा है ट्यूनेबल मतलब डिफरेंट जो नैनोमीटर का वेवलेंथ है उसको जनरेट करने वाला ट्यूनेबल लेजर्स, ये सब रिक्वायरमेंट है WDM का। एंड बेस बैंड ऑप्टिकल एम्पलीफायर, फोर्थ इज वेवलेंथ डिपेंडेंट ऑप्टिकल डिवाइस, वेवलेंथ डिपेंडेंट जो भी डिवाइस होगा वेवलेंथ डिपेंडेंट होगा ऑप्टिकल डिवाइस, राइट। सो दिस इज द यू नो कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर WDM सिस्टम, राइट। और थर्ड क्या, थर्ड है बेस बैंड ऑप्टिकल एम्पलीफायर, बेस बैंड ऑप्टिकल एम्पलीफायर, फोर्थ है वेवलेंथ डिपेंडेंट ऑप्टिकल डिवाइस। और ये जितने भी सिस्टम है बेटा वो सारा जो रिलीज है मतलब स्टैंडर्डाइज है वो है ITU-T, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जी हमेशा जी जहां देखोगे तो समझ लेना ऑप्टिकल फाइबर का है, एंड दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन 692, राइट।
this is the standardization of the WDM system. ITOT G 6.692. Okay, so this is the typical requirement of your WDM system. Ab hum last topic mein chal rahe hain, that is known as optical amplifier. So write down optical amplifier. Optical amplifier. So last topic of your syllabus is optical amplifier. Optical amplifier. Okay, so how the optical fiber amplifier will works? सबसे पहले ये देख लो. तो सबसे पहले हम इनपुट लेते हैं, तो इनपुट लेंगे ऑप्टिकल इनपुट सिग्नल विल टिक. आराम से मैं पढ़ा रहा हूं कि मतलब आराम से आप देख पाए. तो ये इनपुट में आया. नाउ आई वांट टू एम्पलीफाई द सिग्नल, राइट? आई वांट टू एम्पलीफाई द सिग्नल. ये क्या होता है मैं बताता हूं. यह है कपलर. बीच में एक डिवाइस यूज करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसको बोलते हैं एक्टिव मीडियम. एक्टिव मीडियम. और इधर भी कपल करते हैं कि ये क्या होता है कि यदि मान लो कि कोई यहां से हम क्या करते हैं, पंप करते हैं. पंप जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आपकी क्लास क्लास में भी, लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि पंपिंग कैसे करते हैं. पंपिंग के लिए क्या नैनोमीटर लेते थे वेवलेंथ, और ओमकेश्वर कितना वेवलेंथ लेते थे पंपिंग का वैल्यू? वो वैल्यू बोला था मैंने 980 नैनोमीटर एंड 1480 नैनोमीटर. याद है आकाश? याद है? ये भी है कपलर और ये कपल्ड होते हैं ना. आकाश बताया था कि नहीं बताया था मैंने? यस सर. इससे क्या होगा, ये पंपिंग करने से एनर्जी लेवल जो है नीचे से मतलब ऊपर ले जाते थे, जैसे कि हमारा ज्यादा एम्पलीफाई हो सके. तो इनपुट सिग्नल देखो ये है, इनपुट सिग्नल ये है. तो एम्पलीफाई होके क्या मिलेगा बेटू? ये दिस इज आउटपुट सिग्नल, दिस इज इनपुट सिग्नल. ये है एम्पलीफायर का काम. और ये एक्टिव मीडियम जो है वहां पे हम इसको पंप करते हैं, पंप करते हैं, एनर्जी देते हैं. पंप देना मतलब यदि किसी को मतलब तुम तो चढ़ा दो, तुम तो बहुत अच्छे हो, ये हो ये हो, तो हो सकता है पार्टी भी दे दे एम्पलीफाई होके. वही सेम चीज यहाँ पे होती है, हो सकता है जंप भी लगा दे वो. तो लास्ट वाला भी कपलर है. हाँ ये कपलर है, ये दोनों जो ये कपलर और ये कपलर, ये दोनों कपल्ड होते हैं, कपल्ड डिवाइस है, राइट? हेलो, इसको बोलते हैं बेटा फाइबर टू एम्पलीफायर. लिखी देता हूं मैं. ओके सर. फाइबर टू एम्पलीफायर कपलर. क्या होता है ये कपल क्या करता है देखो ध्यान से, पूछते नहीं हो ना तुम लोग, यही है. तो यहां से एम्पलीफाई होके ये एनर्जी इधर जाने लगेगा, यहां से एम्पलीफाई होके इधर जाने लगेगा, तो इसको रोकेगा ये, है ना? इसको बताऊंगा अभी, इसको इसी को ऑप्टिकल आइसोलेटर भी बोलते हैं. अभी नहीं, मतलब जब पूरा रोकना हो तो आइसोलेट करना हो तो हम आइसोलेटर यूज करते हैं, बताऊंगा अभी मैं. यहां से ठीक है हम के सर? ओके तो सबसे पहले इस फेनोमेना में ऑप्टिकल एम्पलीफायर में करने के लिए एक मटेरियल्स यूज हुआ, उसको बोलते थे इरोबियम डोप्ड. इरोबियम डोप्ड. सर जो एम्पलीफाई होता है वो एक्टिव रीजन से होता है. हाँ एक्टिव रीजन पे, एक्टिव रीजन जहाँ पे, एक्टिव रीजन पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल्स रिकम्बिनेशन चल रहा है और आप वहां पे इलेक्ट्रॉन होल्स खत्म हो जाता है तो पंपिंग करके इलेक्ट्रॉन ऊपर ले जाते हैं और हाई रिकम्बिनेशन करवाते हैं जिससे कि और ज्यादा आपको फोटोन मिलने लगे. तो जो सेकंड वाला कपलर है उसका क्या काम है इसमें? ये देखो, हाँ देखो ये मैं यही बता रहा था अभी. ये देखो बेटा, जब ये एम्पलीफाई हो जाएगा यहाँ से एक्टिव मीडियम में तो ये इधर जाने लगेगा बेटू, या इधर जाने लगेगा क्योंकि वो तो ओपन एरिया है. तो ये दोनों कपल, ये दोनों कपलर जो है कपल्ड होके वो करेंगे, मैनेज करेंगे. तो सर फिर जो आउटपुट है वो हमको ऊपर से लेनी चाहिए ना, कपलर के आगे से नहीं ना लेनी चाहिए? हाँ यही एकदम सही. तो क्या होता है कि ये तो आइसोलेटर लगाते हैं, मैं वही बोला ना ऑप्टिकल आइसोलेटर. वहाँ कपल क्या होता है, कपलर क्या होता है बेटू?
जो इनपुट डिवाइस होता है ना, जिस पोर्ट पे आपको भेजना है उधर भेज दीजिए बेटा, जिधर चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, याद है पढ़ा है आपने? यस सर, फिर जहाँ पे चाहिए होगा वहाँ पे वो लगेगा। जैसे चार पोर्ट का कपलर ले लिया मैंने, तो जहाँ पे हमें आइसोलेट करना हो आइसोलेट कर देंगे, बैचिंग कर देंगे, बाकी जहाँ से लेना होगा वहाँ ले लेंगे। ओके ओके, इसलिए तो कपलर लगाया, नहीं तो आइसोलेटर लगाता है ना, कहीं से नहीं लेना होता बेटू तो आइसोलेटर लगाते है ना। क्लियर, चले आगे। यस सर। और हमें अब बोलोगे कि सर एक्टिव मीडियम होता क्या है, तो एक्टिव मीडियम वो मीडियम है जहां पे हमें एक ऐसा मटेरियल मिले जिसको पंप करके आप एम्पलीफाई कर पाए सिग्नल को। जैसे आपके क्लास में कुछ बच्चे होंगे जिसको आप कितना ही पंप करें पंप नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको आप पंप करें, अरे तुम ये कर रहे हो, तुम तो बाप उड़ा दिया तुमने ये कर लिया, तो हो सकता है वो 10 पार्टी दे दे आपको, है ना, ऐसे बच्चे होंगे ना। वो मटेरियल है इरोबियम डोप्ड Er3+, राइट। इसलिए आपने एक एम्पलीफायर का नाम सुना होगा EDFA, नाम सुना है बेटू? सुना है नहीं सुना है? नहीं सुना है तो सुन लीजिए, एक इरोबियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर, राइट, फाइबर एम्पलीफायर। क्लियर है आकांक्षा? और इरोबियम डोप्ड को मतलब क्या, Er3+, इरोबियम डोप्ड, राइट, इसका थर्ड वाला जो वैल्यू है, राइट। सो आई विल मूव टुवर्ड्स रिया, सही है यहां तक? यस सर। सो राइट डाउन, सो सबसे पहले इसमें लिख लीजिए, आप थोड़ा एक पॉइंट भी लिख लीजिए खाली कॉन्सेप्ट के अलावा, एक लाइन, फाइंड द मटेरियल्स वेयर द सच टाइप ऑफ डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल इज अवेलेबल, फाइंड द मटेरियल्स वेयर द EDFA मतलब इरोबियम, ई मतलब ये वाला इरोबियम Er3+ मटेरियल्स है। तो दो एम्पलीफायर जो होते हैं बेटा, वो हमेशा मैंने बोला एक लाइट बेस्ड होते हैं, SOA सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर बोलते हैं, एक को बोलते हैं, मैं बताने वाला था अभी, बट ठीक है, सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर होता है, एक मटेरियल बेस्ड होता है जिसको बोलते हैं EDFA, इरोबियम डोप्ड एम्पलीफायर। इरोबियम मतलब क्या बेटा, Er3+ डोपिंग वाला। तो मैंने लिखा है नहीं कि इस तरह के मटेरियल्स आपको ढूंढने पड़ेंगे, बट Er3+ जो है वो बहुत अच्छा डोपिंग है एम्पलीफाई करने के लिए बेटा, ठीक है। तो इरोबियम डोप लिख लो फुल फॉर्म, इरोबियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर, अब ठीक है। हाँ उनके सर सही है? यस सर। ओके, तो यहां पे हम डोपिंग किसका करेंगे, EDFA में किसका डोपिंग करेंगे, Er+3, ठीक है, चलें आगे। यस सर। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस, सही है रिया, यहां तक सही है, चलें आगे। मुस्कान सही है यहां तक? मुस्कान वो ऑनलाइन, बासु महाजन बेटा, बासु महाजन बेटा, यहां तक सही है? यस सर। ओके, सो अब देखना, अब इसका ऑपरेशन देखते हैं हम, राइट। सो राइट ऑन ग्राफिकल एनालिसिस हम देखते हैं कि कैसे होगा एनालिसिस में ग्राफिकल। सो वाई एक्सिस पे एनर्जी, एक्सिस पे वेवलेंथ, हमेशा लाइट की जब भी बात आए लाइफ में कभी भी, तो वेवलेंथ से बोलिएगा, रिप्रेजेंट कीजिएगा एक्सेस को, एनर्जी, दिस इज एनर्जी। तो मैंने बोला कि ये 980 नैनोमीटर पे है, राइट, 980 नैनोमीटर पे मैं पंप करूंगा, तो ये पंप होके यहाँ जाएगा बेटू, पंप होके यहाँ आ गया, तो एनर्जी बैंड यहाँ आ गया, वेरी गुड, राइट। तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया हुआ है कि यदि ये थर्ड लेवल पे है, इस थर्ड लेवल, तो ये सेकेंड लेवल, ये फर्स्ट लेवल, सब कुछ बताया हुआ हूँ, इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यह यहाँ से यहाँ जंप करेगा, राइट, और यहाँ से और आगे प्रोसेस होना लगेगा, तो एक जंप यहाँ मार दीजिए, एक जंप यहाँ मार सकते हैं आप, एक जंप यहाँ मार सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे तो एक्युमुलेट होने लगता है, एक्युमुलेशन होने लगता है, ये भी बताया ना बासु मैंने, एक्युमुलेशन होने लगता है, है ना। तो इसको बोलते हैं पंपिंग, इसको बोलते हैं एक्साइटेड, सबसे ज्यादा हायर स्टेट में है ये, है ना, हायर स्टेट में ये है वन लेवल,
ये है टू और ये है थ्री हायर स्टेट। अब यहां से यहां जाएगा तो देखो 980 नैनोमीटर से आगे बढ़ेगा ना, तो पहला जो आएगा वो दैट इज नोन एज 1440 नैनोमीटर वाला पे करता है, फिर 1550 पे करता है, फिर 1650 नैनोमीटर। तो इस तरह से एक यदि आप 980 नैनोमीटर पर पंप करेंगे तो आपको सारे विंडोज मिल जाएंगे आगे वाले, चाहेंगे तो सारे विंडोज मिल जाएंगे, राइट। तो ये आप लिख लीजिए 1 2 3 तो हो गया, 4 5 6 और इस स्टेट को बोलते हैं हायर लेवल, इसको बोलते हैं मेटा लेवल, पता है ना मेटा स्टेट, मेटा स्टेबल, जो दोनों लोअर और हायर के बीच में है, दैट इज द मेटा लेवल स्टेट, राइट। ओके, और अब ये बताओ, मैंने पढ़ाया हुआ है टाउ 3 2 और ये टाइम है टाउ 2 1, कौन सा टाइम छोटा होगा बासु? टाउ 3 2 और टाउ 2 1 कौन सा छोटा होगा टाइम? सर टाउ 1 छोटा होगा, 2 1 छोटा होगा। तो यानी मतलब ये बड़ा होगा, ऐसा करना क्या है तुम्हारा? टाउ 3 2 सोच के बोलो बेटा। मैंने क्या बताया था कि थर्ड बिल्डिंग से सेकंड बिल्डिंग पे भेजेंगे तो वो टाइम छोटा होगा, कि सेकंड बिल्डिंग से फर्स्ट टाइम बिल्डिंग में गिराओगा तो छोटा होगा? मैंने बताया था बेटा उसमें सबसे ज्यादा इनस्टेबिलिटी है, वो तो जल्दी सिचुएट को प्राप्त करेगा, 3 2 छोटा होगा। हाँ बेटा ऐसे नहीं ना, है ना। तो टाउ क्या मतलब हुआ बेटू? टाउ 3 2 इज वेरी वेरी लेस देन, छोटा नहीं बेटा, बहुत छोटा। आकांक्षा क्लियर है इस कॉन्सेप्ट? ऐसा नहीं करने का, अदरवाइज मुझे मुश्किल होगी ना बेटू, क्या मतलब फिर? ओके, अब इसमें मैंने और चीज बताया हुआ है कि जो ये अपने आप जो प्रोसेस होता है उसको कौन सा इमेजन बोलते हैं आकांक्षा, जो अपने आप प्रोसेस होता है इन दोनों में, पहले अपने आप हुआ फिर ऊपर गया फिर ऐसे गया, इसको कौन सा प्रोसेस बोलते थे बेटू? पहला प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, है ना, नेचुरल प्रोसेस। दूसरे को बोलते थे एब्जॉर्प्शन, और तीसरे प्रोसेस को क्या बोलते थे? स्टिमुलेटेड। सब पढ़ाया हूं मैंने, एक चीज भी और, ऐसा नहीं कि जल्दी अभी भी जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूँ, भले टाइम ले रहा हूँ बट मैं सब कुछ एकदम एक भी गैप करके नहीं पढ़ाया हूँ। आप जो भी पूछना चाहें मेरे से आप पूछ भी सकते हैं, राइट। ओके, नो इशू। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ, तो कोई बोलेगा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम कैसे करता है? तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर दो तरह के होते हैं, एक तो लाइट बेस्ड होता है जिसको बोलते हैं सेमी ऑप्टिकल एम्पलीफायर SOA। तो जो SOA जो आपने लाइट के बेस पे पढ़ा था ना, यहाँ मिरर लगा दिया था, है ना, तो लेजर केस में जो फीडबैक लेजर पढ़ा था ना हमने, याद है आकांक्षा? पढ़ा था हमने भी जस्ट, और yes, हमने पेज भी कंसिडर किया था, वो जो एम्पलीफायर होते हैं मल्टीप्लीकेशन के साथ, दैट इज नोन एज सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर, SOE बोलते हैं, है ना। और जो यूरोबियम डोप्ड के साथ जो एम्पलीफायर होते हैं उसको बोलते हैं यूरोबियम डोप्ड एम्पलीफायर, EDFA, राइट। और थर्ड एक एम्पलीफायर है रमन एम्पलीफायर, राइट, रमन एम्पलीफायर, जो हमारे इंडियंस थे और उनको नोबेल प्राइज मिला था, आप सबको पता होगा रमन एम्पलीफायर के बारे में, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, सुना है? So Raman amplifier is also very popular amplifier and that is also light based tha, sabse jyada popular phenomena tha. To abhi main usko bas 2 minute mein usko bhi conclude karne wala hu, bataunga abhi main. EDFA ke bare mein thoda sa zyada batana hai mujhe kyunki EDFA is so popular in this current study, right. So maximum 10 minutes aur lagenge mujhe, bad main khatam karunga. Okay, so अभी सबसे पहले मैं एम्पलीफायर के ऑपरेशन के बारे में बता देता हूँ। ऑपरेशन एम्पलीफायर तीन तरह से काम करते हैं, को डायरेक्शनल, काउंटर डायरेक्शनल, राइट, को डायरेक्शनल, काउंटर डायरेक्शन, हाइब्रिड। सो राइट नाउ ऑपरेशन ऑफ एम्पलीफायर, ऑपरेशन ऑफ एम्पलीफायर में जो तीन तरीके से जो काम होता है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है, सबसे पहले आप लिख लीजिए को डायरेक्शनल स्कीम, को डायरेक्शनल पहला है, को डायरेक्शनल नाम ही है को डायरेक्शनल, यानी पंप जो है ये सब डिपेंड करता है, जितने भी डायरेक्शनल है वो पंप पे डिपेंड करता है कि आप पंप लेफ्ट साइड से कर रहे हैं या राइट साइड से कर रहे हैं या बोथ साइड से कर रहे हैं, बोथ साइड, राइट।
तो सबसे पहले जो कोड आईएसएल है उसको पंप करेंगे हम यहाँ पे लगाते हैं ऑप्टिकल आइसोलेटर ओ आई ऑप्टिकल आइसोलेटर यहाँ पे यूज करते हैं लेमडा एस इनपुट सिग्नल यहाँ पे आप यूज करेंगे पंप। अब घबराइएगा नहीं लेमडा एस पहले जा चुका है उसके बाद आइसोलेटर लगाया हुआ है लेकिन दिखाने के लिए ऐसा नहीं कर सकते। सो हेयर पंप लेमडा पी इज एट 980 नैनोमीटर और हमारा जो ऑप्टिकल एम्पलीफायर है तो ये इसमें लेमडा एस एंड लेमडा पी दोनों जाएगा और यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोलेटर लगा हुआ है राइट। तो यहाँ पे जो रिसीव करेंगे हम यहाँ पे वो रिसीव होगा ऐसा लेमडा यहाँ पे जगह कम है लेमडा एस तो इस तरह से लिख देता हूँ मैं इधर लिख देता हूँ जैसे आपको कंफ्यूजन हो यहाँ पे लेमडा एस और यहाँ पे लेमडा पी राइट पहले एम्पलीफाई करके फिर वो बाहर निकल जाएगा राइट दिस इज द प्रोसेस। सो हेयर वेरी स्मॉल रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिसीवर इट विल गिव द फीडबैक ड्यू टू हाई गेन सो ऑसिलेशन विल बी अकर लिख लो प्रोसेस में लिख लीजिए वेरी स्मॉल रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिसीवर एंड इट विल गिव द फीडबैक ड्यू टू हाई गेन सो ऑसिलेशन विल अकर एंड नोट दैट लेमडा एस एंड लेमडा पी आर इंडिपेंडेंट इन नेचर प्लीज रिमेंबर वेरी स्मॉल रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिसीवर एंड and it will give the feedback due to high gain क्योंकि oscillator लगा हुआ है तो फिर से इधर आएगा due to high gain so oscillation will occur where lambda s and lambda p are independent in nature and here the pumping is only from the only one side na only one side left side only one side as the pumping is only one side isliye usko bolte hain co-directional right only one side co-directional and optical isolator from here and there both side will isolate the reflections right ओके सेम यदि मुझे काउंटर डायरेक्शन बनाना होगा तो बताओ हम कैसा कैसे बनाएंगे कैसा होगा काउंटर डायरेक्शन बताओ मुझे थोड़ा काउंटर डायरेक्शन क्या करूंगा मैं पंपिंग कहां से करूंगा काउंटर डायरेक्शन पर हाँ ये देखो को डायरेक्शन में क्या था बेटू लेमडा एस यहाँ और यहीं पे पंपिंग इसी साइड पंपिंग लेफ्ट साइड डायरेक्शन तो काउंटर डायरेक्शन में कहां पंपिंग होगा बेटा लेफ्ट साइड या राइट साइड सिंपल है ना तो सिंपल आप बना लीजिए बहुत इजी अब थोड़ा मैं इजी कर लेता हूं और ये है EDFA फाइबर में एम्पलीफायर है EDFA यूज कर रहे हैं इधर से डायरेक्शन से कर रहे हैं राइट सो जस्ट रिवर्स और थर्ड में क्या होगा दोनों डायरेक्शन में कर दो लेमडा एस इधर से भी लेमडा एस लेमडा पी लेमडा पी दोनों तरफ से पंपिंग इधर से भी पंपिंग और इधर से भी पंपिंग इसको बोलते हैं हाइब्रिड
Right. So simple. If the pumping at one side, left side, is known as co-direction. If the right side pumping, that is the counter directions. And if both side, that is known as hybrid, combination of left side and hybrid. So the hybrid combinations, right? So okay. Now one process is really important in amplifier is known as ASE, amplified stimulated emission. Amplified पढ़ाया हमने वैसे ठीक है stimulated emission forcefully वाला एसी में लिख लीजिए पहले amplified stimulated emission process में what we will do in this case. So again y axis पे कुछ भी रहे एक्सेस पे हमेशा रहेगा वेवलेंथ वाई एक्सिस पे है क्योंकि एम्पलीफाइड स्टिमुलेटेड है हमेशा रखना एम्पलीफायर में जब भी स्टडी करेंगे तो गेन की का स्टडी करेंगे प्लीज हमेशा रखना वाई एक्सिस पे यदि कभी भी आप एम्पलीफायर की स्टडी करोगे तो गेन क्योंकि एम्पलीफायर से एम्पलीफाई करके हम गेन बढ़ाते हैं सिस्टम राइट गेन बढ़ाते हैं ओके नाउ एम्पलीफायर में ये ग्राफ करने से पहले क्या होगा यदि कोई सिग्नल ऐसी थी तो मैं उसको एम्पलीफायर करके ऐसा कर दूंगा राइट ऐसा कर दूंगा बट ये मान लो कि ये बैंड है हमारा 980 नैनोमीटर पे बट सबसे अच्छा लो एटोनेशन किस पे मिलता है उनके सर सबसे कम एटोनेशन कहाँ होता है क्लास 1550 नैनोमीटर से लेके 1650 नैनोमीटर एटोनेशन की बात कर रहा हूँ मैं राइट सबसे कम मिलता है इस पे तो ध्यान से देखना यदि कभी भी कोई बैंड तुमको लेना है तो मैं एम्पलीफाई यहाँ करूंगा तो ये बैंड तो फ्लैट बैंड नहीं है तो फ्लैट बैंड रिसीव करने के लिए मुझे यदि मान लो 1550 पे फ्लैट बैंड चाहिए तो मुझे पंपिंग थोड़ा पहले ही करना पड़ेगा जैसे मैं एक बहुत अच्छा रिलेशन बताता हूँ कि कोई बंदा को हार्ट अटैक आ गया राइट तो हार्ट अटैक आ गया तो उसको जब यदि मुझे वो मरने से पहले उसको हम क्या करना पड़ेगा मुझे उसको पंपिंग करते हैं ना पंप सुना होगा तो पंपिंग करते हैं जो पंप करते हैं जिससे कि वो उसका अरेस्ट जो हार्ट है वो अरेस्ट होने से बच जाए राइट तो उस टाइम पे पंप नहीं करेंगे जब खत्म हो जाए ना उसे पहले से ही पंपिंग करेंगे उसको ना टाइम लेके तो जो यदि मुझे उसका जो जीने का टाइम है वो है 1550 से ये वाला है ना 1550 से लेके 1650 वाला बैंड में चाहिए तो मुझे पंपिंग में यहाँ करूंगा जब मर जाएगा तब की पहले करना पड़ेगा पंपिंग तो इसलिए हमेशा जो पंपिंग करते हैं ना कि इस रेंज में करते हैं हमेशा पहले करते हैं तो एम्पलीफाइड स्टिमुलेटेड इमिजन वही है एक फ्लैटर्ड बैंड हमें रिसीव करने के लिए फ्लैटर्ड बैंड रिसीव करने के लिए हमें एक एम्पलीफाइड स्टिमुलेट मतलब फोर्सफुली हमें एक पंप करना पड़ता है जिससे कि मुझे यहाँ पे एक फ्लैट बैंड मिले राइट मैं थोड़ा रिलेट कर रहा हूँ जनरल लाइफ से सो दैट इज द प्रोसेस इज नोन एज एएसई राइट जहां पे मुझे एक हाई गेन भी मिलेगा और फ्लैटर्ड भी मिलेगा क्योंकि फ्लैटर्ड नहीं है तो हम यूज नहीं कर पाएंगे अभी मैंने पढ़ाया ना बिटू कि कभी भी बैंड को आपको यूज करना हो तो फ्लैटर्ड बैंड होगा तभी हम यूज कर सकते हैं नहीं तो नहीं कर सकते तो एएसई इज अ वेरी गुड प्रोसेस वेयर वी कैन थ्रू दिस प्रोसेस वी कैन गेट द फ्लैटर्ड बैंडविड्थ राइट फ्लैटर्ड बैंडविड्थ हम मिल सकता है मुझे और इन द केस ऑफ फोर्सफुली मतलब पंपिंग करके मिल सकता है पंपिंग इज अ हमेशा स्टिमुलेटेड फेनोमेन आता है क्यों क्योंकि हम क्या करते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन करते हैं तो बासु महाजन पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या था व्हाट डू मैन पॉपुलेशन इन्वर्जन मैंने क्या बताया था बेटू पॉपुलेशन इन्वर्जन बासु शर्मा रोल नंबर 62 बेटा अनम्यूट होना बासु प्लीज अनम्यूट के सूर्य प्रताप सिंह समीक्षा गुप्ता रोल नंबर 55 रोल नंबर 55 सही है वेरी गुड शिवम शर्मा शिवम प्लीज अनम्यूट हेलो हाँ समीक्षा आवाज आ रही है यस सर हाँ
तो आप पढ़ रहे हो कि मतलब देख रहे हो जो मैं बता रहा हूँ? हाँ सर, यस सर। सो आकांक्षा, आई विल नॉट अपलोड दिस वीडियो, राइट? दिस वीडियो आई विल नॉट अपलोड बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू ऑल द प्रोसेस एंड प्लीज कन्वे टू योर स्टूडेंट योर क्लासमेट, आई विल नॉट अपलोड दिस वीडियो, राइट? इन व्हाट मैटर यू आर नॉट अटेंडिंग क्लास, आई रियली डोंट नो, राइट? आप किसी कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है, बट योर रिस्पॉन्स ऑफ द क्लास इज वेरी बैड, सो आई विल नॉट अपलोड दिस वीडियो। दिस इज द क्लियर इंस्ट्रक्शन टू ऑल, ओके? यू कैन यू नो कोलैबोरेट योरसेल्फ एंड डू व्हाट यू वांट टू डू। तो आकांक्षा, यहाँ तक समीक्षा, यहाँ तक क्लियर है? Yes, बहुत नॉइज आ रही है, आप म्यूट कर लो बेटू, म्यूट कर लो, बहुत नॉइज। ओके सो यहाँ तक ठीक है, ओके? सो आकांक्षा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। हाँ, तो अपने फ्रेंड्स को बता दीजिएगा कि सर ने सबका नाम बोला बट नो वन हैज रिस्पॉन्डेड, ओनली फाइव जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो तो देख रहे हैं, वो तो पढ़ भी रहे हैं अभी, राइट? सो तो क्या करेंगे, कोई भी यदि किसी को यदि मुझे बचाना होगा बेटा तो क्या उस समय करेंगे, उससे पहले करेंगे? तो दैट्स व्हाई 989 पे हम यहाँ पे पंप करते हैं और ये इसका जो फ्लैटर्ड बैंड मिलता है वो यहाँ पे, ये फ्लैटर्ड बैंड और ये नियर अबाउट मिलता है बेटू, लगभग ये वाला जो बैंड है यहाँ से लेके यहाँ तक वाला नियर अबाउट 1520 से लेके 1550 तक, राइट? दिस इज द नैनोमीटर में लिख लेता हूँ मैं, ये तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, ओके? एंड दिस इज द पोर्शन जस्ट वेयर वी गेट फ्लटर्ड बैंड। तो एम्पलीफाइड स्टिमुलेटेड इमिजन, एम्पलीफाइड तो समझ में आ गया, दिस इज द एम्पलीफाइड ड्यू टू द पंपिंग। गरिमा ऑनलाइन हो? गरिमा, यस सर। सो व्हाई स्टिमुलेटेड एम्पलीफाइड क्यों बेटा? क्योंकि मैं यहाँ पे 989 पे पंप कर रहा हूँ। व्हाई स्टिमुलेटेड? क्योंकि मैं पॉपुलेशन इन्वर्जन कर रहा हूँ। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या था कि मैं फोर्सफुली कर रहा हूँ ना, नीचे वाले मैं इलेक्ट्रॉन ले जाता इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर, और फिर और ये यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये है वो पोजिशन, इसे पहले यदि पंप हो जाए, यदि मान लो किसी को कार्डियल डेथ हो रहा हो और उसमें पहले से यदि फैसिलिटी दूंगा तो वो बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। yes, हमें यहाँ पे फ्लैटर्ड बैंड मिलने के से मैं पहले से पंप कर रहा हूँ और इस प्रोसेस से पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एम्पलीफाइड स्टिमुलेटेड इमिजन फेनोमेना, राइट? इमिजन फेनोमेना एएसी, ये इसको बोलते हैं एएसी स्पेक्ट्रम। सो होपफुली यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन, क्लियर है? गरिमा, कोई डाउट है इसमें तो बता दीजिए। No, sir, clear. Okay, so this is really really important and now last topic is already मैं cover कर चुका हूँ, but EDFA का graph analysis, EDFA. So याद रखना EDFA का use कहाँ करते हैं हम? So is very useful for long haul communications. लॉन्ग हॉल कम्युनिकेशन मतलब वेरी लार्ज डिस्टेंस पे यदि आपको करना हो, जैसे मुझे SMBDU से नागपुर भेजना है या मुंबई भेजना है या सिंगापुर भेजना है, उस कंडीशन पे हमें दिल्ली में या पुणे में मुझे कहीं ना कहीं पे एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा, और ये एम्पलीफायर जो है दैट इज यदि आप EDFA यूज करेंगे तो दैट इज रियली फंटास्टिक बिकॉज इरोबियम डोप एम्पलीफायर विल गिव द AAC स्पेक्ट्रम। जैसे EDFA करता क्या है आपको पता, कोई बोले कि एम्पलीफायर करता क्या है तो उसका बहुत बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है कि जैसे ही कोई सिग्नल मरने वाला होगा उसको एम्पलीफायर, उसे पहले ही एम्पलीफायर लगा दो। कोई सिग्नल मरने वाला मर जाएगा तब लगाएंगे गरिमा कि उसे पहले लगाएंगे? सर पहले लगाएंगे, नहीं तो उसको आप रिकवरी नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज द AC, दैट वाई AC इज रिक्वायर्ड। सो EDFA इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्ग हॉल कम्युनिकेशन, राइट? तो पहला हम ग्राफ एनालिसिस देखते हैं EDFA का। मैंने हमेशा बताया आपको जब भी एम्पलीफायर की बात हो तो वाई एक्सिस पे क्या बताया था गरिमा, क्या लेना है हमेशा? सर गेन, गेन, राइट? तो पहला ग्राफ है, लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। EDFA का पहला ग्राफ है गेन ऑफ ऑप्टिकल एम्पलीफायर is depends on input power,
तो मैं इनपुट पावर और गेन का रिलेशन देखूंगा इन द केस ऑफ EDFA. तो इनपुट पावर इज नथिंग बट PIN. PIN. तो रिवर्स होता है 0 dB माइनस 20 dB माइनस 40 dB माइनस 60 dB. dBm लिखना, dBm. यह है गेन. तो मैक्सिमम जाता है 30 dB 20 dB 10 dB एंड 0 dB, राइट. So the question is, what are the nature of the profile? It depends on the input signals, right? So profile ka kya hai? Profile ka main conclusion kisi se puchunga. तो क्या हो रहा है इसमें, गेन का रिलेशन क्या दिखा रहा है गरिमा? कंक्लूजन बताओ मुझे यहाँ पे, ग्राफ देखो मुझे, कंक्लूजन बताओ कि क्या हो रहा है पी इन और गेन में, क्या रिलेशन दिख रहा है EDFA में? सर जैसे जैसे पावर बढ़ती जा रही गेन कम हो रहा है. वेरी गुड. सो वेरी गुड. तो फर्स्ट कंक्लूजन इज पी इनपुट पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गेन in the EDFA. Very good, Karima. This is the, that's why you are placed in the different company. So this is the P in inversely proportional to 1 by K, right? And कभी भी पूछा जाए तो कि और ये 30 dB ही क्यों, मैं बताऊंगा कि 30 dB से ज्यादा बढ़ने से क्या हो जाता है, उसको बोलते हैं गेन सेचुरेशन, राइट. गेन सेचुरेशन क्या होता है मैं बताऊंगा अभी. Now write down mathematical analysis. Mathematical. Mathematical analysis में सबसे पहले हम देखेंगे PS out. PS out is depends on PS in plus lambda P by lambda S into P in. So EDFA में आउटपुट पावर कैसे निकालते हैं बेटू? पी एस आउट इज इक्वल टू पी एस इन लैम्डा पी बाय लैम्डा एस बाय पी इन एंड इट इज आल्सो नोन एज प्रोफाइल. लिख लो प्रोफाइल ऑफ EDFA. पहला आप लिख लीजिए मैथमेटिकल इक्वेशन में पी एस आउट लेस देन इक्वल टू पी एस इन प्लस लैम्डा पी बाय लैम्डा एस. Second relation is, follow this is first. Second parameter is power conversion efficiency, PCE, power conversion efficiency. Power conversion efficiency. So how we can calculate the power conversion efficiency? Efficiency तो हमेशा कोई ratio में होगा. So write down PCE, nothing but इसको इधर ले आओ. तो क्या होगा? PS out माइनस पी एस इन पाई पी एस इन. तो ये क्या इधर क्या बच जाएगा बेटा गरिमा, क्या बच जाएगा इधर ले आऊंगा तो लेमडा एस पी पी इन, है ना? यस सर. सो दिस इज द पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी. दिस इज द सेकंड इक्वेशन. नोट करके लिखना जो इसी साल में भी इसी साल क्वेश्चन पूछा जा सकता है. What are the value of, you know, the value of lambda P by lambda S? है ना, इसको लाओगी पी एस आउट बाई माइनस पी एस इन और ये इधर लाएंगे ना बेटो, तो लेमडा पी बाई लेमडा एस बचेगा ना. सॉरी, तो वॉट आर द वैल्यू ऑफ लेमडा पी बाई लेमडा एस? तो नोट कर लेना, हमेशा याद रखना एक चीज, लेमडा पी और लेमडा एस. लेमडा एस जहां पे लेमडा शिफ्ट हुआ है और लेमडा पी जहां पे पंप किए हैं, तो कौन बड़ा होगा बेटू? पहले ये बता दीजिए गरिमा, लेमडा पी पंपिंग कितने पे किए थे बेटू? सर 980 पे.
और लैम्डा एस मिला था कितने पे? हाँ इसी पे 1550. तो हमेशा क्या होगा बेटू, लैम्डा एस इज ग्रेटर देन लैम्डा पी. लैम्डा पी तो फाइनल रिलेशंस क्या होगा लैम्डा पी बाई लैम्डा एस का? Always sir, less than one. So this is always less than one. कभी कभी सेम भी लेते हैं बट होता नहीं है, बट रिलेशन में मैथमेटिक के तो हमें लिखना पड़ेगा लैम्डा लेस देन इक्वल टू वन. ओके नाउ सेकेंड लास्ट इक्वेशन ऑफ दिस यू नो सब्जेक्ट इज यू नो क्वांटम एफिशिएंसी, क्वांटम कन्वर्जन एफिशिएंसी. इसको बोलते हैं QCE. तो QCE इज नथिंग बट लैम्डा एस बाय लैम्डा पी इनटू PCE एंड दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू वन. उसी इक्वेशन से है, सब रिलेशन से है. ओके नाउ गेन ऑफ द एम्पलीफायर, गेन ऑफ द एम्पलीफायर, गेन ऑफ द एम्पलीफायर कैसे निकालेंगे? तो हमेशा गेन जो निकालते हैं आउटपुट बाय इनपुट, तो पी एस आउट बाय पी एस इन एंड दिस इज नथिंग बट वन प्लस लैम्डा पी बाय लैम्डा एस इनटू पी इनपुट पावर बाय एसिन. यहां पे केस एनालिसिस करेंगे हम, केस एनालिसिस. इफ पी एस इन, इफ पी एस इन इज वेरी वेरी लेस देन पी पंप राइट, तो गेन क्या होगा? गेन इज इक्वल टू लैम्डा पी बाय लैम्डा एस इनटू पी P in by PS in. और यदि if PS in is greater than lambda P by lambda S into power pin, तो ये value gain is equal to 1. अपना equation number दे दीजिएगा बेटू. R to the power 1, 2. So this is the second condition. Now note this one last point. Note gain of the amplifier also depends on length. Gain of the amplifier is also depends on length. तो मैंने जब आपको एम्पलीफायर लगाने के लिए उस समय बोला था, तो मैंने बोला था कि लेंथ आप कभी 6 मीटर है कभी कुछ है, वो कैसे लेंगे उसका मैं अभी क्लू बता रहा हूँ कि गेन ऑफ द एम्पलीफायर जो है वो आल्सो डिपेंड्स ऑन यू नो लेंथ. कैसे? क्योंकि गेन जो है हमारा एम्पलीफायर का मैक्सिमम गेन इज इक्वल टू ई रो सिग्मा ई एल फॉर्मूला होता है. मैक्स गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज ई टू पावर एक्सपोनेंशियल, ये होता है क्रॉस सेक्शन सिग्मा ई, क्रॉस सेक्शन ऑफ द एम्पलीफायर, क्रॉस सेक्शन एल लेंथ. और रो जो होता है वो डोपिंग होता है बेटा, डोपिंग कंसंट्रेशन, डोपिंग कंसंट्रेशन कि इरोगियम डोप का क्या आपने कंसंट्रेशन लिया है, इस पर डिपेंड करता है. So final equation is gain depend on you know length. So gain of the amplifier is less than equal to mean of 2. कौन कौन सा? E to power rho sigma E L, और इसे भी निकाल सकते हैं आप, जिससे दोनों में से आप दोनों का लेके वैल्यू मीन निकालेंगे तो आएगा. बट मैं पूछूंगा एक सिंपल मतलब अलग अलग
So now we will plot this graphical analysis hum karenge. Graphical analysis of this equations is see कैसे डिपेंड करेगा लेंथ पे उसका इक्वेशन बना रहा हूं मैं. सो दिस इज गेन, दिस इज लेंथ ऑफ द फाइबर, राइट. सो लेंथ ऑफ द फाइबर इज नथिंग बट 10 मीटर, 20 मीटर, राइट, 40 मीटर. माइनस 10, 0, 10, 20, 30. तो यार ना 30 dBm के बाद आप ना अब नहीं बढ़ा सकते. जब उसके बाद गेन सिचुएशन आता है बताऊंगा अभी. 10 dB, 0. सो व्हेन यू विल पंप विद अ डिफरेंट पावर ऐसा. बट और ज्यादा यदि आप पावर बढ़ा देंगे, और ज्यादा पावर बढ़ा देंगे आप, ये है लेंथ, एम्पलीफायर लेंथ. और ज्यादा गेन बढ़ाते जाएंगे आप समझेंगे कि इसका लेंथ वो करेगा, तो नहीं. ये फिर क्या होगा बेटा, ये सैचुरेट करने लगेगा, गेन उसे ज्यादा बढ़ेगा ही. वाई एक्सिस ये ऐसे सैचुरेट, इस पॉइंट को जो बोलते हैं बेटा, ये जो गेन बढ़ाना चाह रहे हैं बट गेन बढ़ नहीं रहा है, इसको बोलते हैं गेन सैचुरेशन. गेन सैचुरेशन पॉइंट, राइट. जहां पे 30 dB के बाद आपका गेन बढ़ेगा नहीं, उसको बोलते हैं गेन सैचुरेशन पॉइंट, राइट. सो EDFA का जो नेचर होता है ये, y एक्सिस पे है बेटा -10, 0, 10, 20, 30 dB गेन. लेंथ है 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, ऐसा लेंथ, राइट. सो गेन सिचुएशन मत मींस क्या, एट द सर्टेन गेन, आफ्टर द गेन, इफ यू इंक्रीज द गेन, द गेन विल नॉट इंक्रीज, राइट. सॉरी, इन लेंथ विल बी इंक्रीज. आप कितना भी लेंथ आप बढ़ाएंगे तो उस पर गेन नहीं बढ़ेगा, राइट, इंक्रीज नहीं करेगा. और ये जो पावर है बेटू, लिख लीजिए पंप पावर, ये है 1 मिली वाट, ये है 2 मिली वाट, ये है 3 मिली वाट, ये है 4 मिली वाट, ये है 5 मिली वाट. तो ऐसा नहीं कि आप पावर बढ़ा देंगे, इनपुट पावर है. यदि आप इनपुट पावर बढ़ा दें, लेंथ बढ़ा दें, कुछ भी कर दें, आपका गेन नहीं बढ़ेगा. उस पॉइंट को बोलते हैं गेन सैचुरेशन. तो मैं अलग से खींच देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज कर जाऊंगा. तो गेन सैचुरेशन का जो ग्राफ यदि सिर्फ खींचना हो तो कैसे आता है, बिकॉज एट द सर्टेन इंटरवल ऑफ लेंथ एंड इनपुट पावर द गेन विल बी नॉट इंक्रीज. नहीं तो जिंदगी भर कोई इंक्रीज ही करते रहेगा वो, बट ऐसा होता नहीं है. गेन इन डीबी, तो दिस इज यू नो, अब लेंथ के साथ यदि बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ेगा ही नहीं. ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट इज नोन एज गेन सैचुरेशन पॉइंट. गेन सिचुएशन, गेन बढ़ेगा ही नहीं, आप लेंथ कुछ भी कर दें. दिस इज यू नो इनपुट पावर, इनपुट पावर एंड दिस इज द गेन, राइट. सो हियर -10, -5, 0, 10 dB, 20 dB, इनपुट पावर आप कुछ भी ले लें, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, गेन आपका कॉन्स्टेंट ही रहेगा, नियर अबाउट, राइट, कॉन्स्टेंट ही रहेगा. सो दिस analysis is known as a gain situations. Okay, hopefully this is the last agenda was covered in the case of EDFA.